इस बार भगवद गीता की शुरुआत और अंत दोनों यहाँ विषय के रूप में भी एक ही होते हैं और यहाँ जो सीरीज चल रही है तो वक्ता के रूप में भी एक ही हो गया है। तो हम पहले मिले हैं, याद है ना? सिर्फ बहनों को याद है, भाइयों को नहीं है। तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? कम खा के आए क्या? चलो शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरां। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सर्व उपनिषदों का सार है भगवद गीता और समग्र भगवद गीता का जो सार है वो यहाँ पर गीता में दो जगह दिया गया है। एक को कहते हैं उपक्रम संक्षेप, अर्थात बिगिनिंग में विषय का जो संक्षेप में बात की गई है, समग्र उपदेश का संक्षेप वो अध्याय दो में दिया गया है और बाद में फिर से समग्र उपदेश के अंत में भी उसका संक्षेप जो दिया गया है वह है अध्याय 18। अध्याय दो को उपक्रम संक्षेप कहते हैं और अध्याय 18 को उपसंहार संक्षेप कहते हैं। तो हमें उपनिषदों का सार गीता, गीता का सार 18 अध्याय और पूरे 18 अध्याय में जो पूरा उपदेश बताया गया है उसको भी हमें संक्षेप में सिर्फ 2 घंटे में आपको बताना है। हाँ, तो याद रखना बहुत कठिन काम है और आप लोगों के लिए भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होगी कि पूरा कुछ याद रहे ना रहे, अगर ये याद रह गया तो समझ लो आपने भगवद गीता का सार प्राप्त कर लिया है। 18 अध्याय के विषय को ध्यान में रखते हुए उसको हमने 6 भाग में विभाजित किया है। एक तो है पहला विभाग, 1 से 12 श्लोक के अंदर संन्यास के बारे में चर्चा की गई है। दूसरा जो है 13 से 17 तक आत्मस्वरूप का परिचय दिया गया है। 18 से 40 तक आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जो आवश्यक साधन है वो साधन को सत्वगुणी बनाने के लिए जो 6 साधन है उसकी चर्चा की गई है। उनके 3 प्रकार है तो 3 प्रकार से 6 साधनों की चर्चा की गई है। तो साधन त्रयी निरूपण है। 4th नंबर पे कर्म योग का सार है। 5वां नंबर है ज्ञान योग का सार और अंतिम जो विषय होगा वो है उपसंहार, द कंक्लूजन। वैसे 6 विषय में हमने 18 अध्याय को विभाजित किया है। सबसे पहले देखेंगे कि आरंभ क्या है। ये अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। पूर्वे 5वां अध्याय था वो भी संन्यास योग था। कौन सा संन्यास था? याद है बच्चों को? याद है, नाम तो याद हो जाना चाहिए। जिनके लिए एक एक घंटा हर रोज आप बैठे इतना 18 नाम तो याद होना चाहिए। 5वां अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग और ये 18 अध्याय है उसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। आरंभ में अर्जुन प्रश्न करता है कि संन्यासस्य महाबाहो, भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है, हे महाबाहो संन्यासस्य तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्। संन्यासस्य तत्त्वम् वेदितुम् इच्छामि, मैं संन्यास का तत्व रहस्य सत्व क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ। त्यागस्य च ऋषिकेश, और त्याग किसे कहते हैं हे ऋषिकेश, मुझे ये भी जानना है। पृथक केशिनी सुदन, भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए उन्होंने पूछा
त्याग का रहस्य क्या है, त्याग का मतलब क्या है, संन्यास का मतलब क्या है, वो मुझे जानना है। अच्छा, क्यों ऐसा प्रश्न किया गया? उपनिषदों में कहा है त्याग नहीं कि अमृत तत्व मानस हो, त्याग से ही अमृत तत्व की प्राप्ति, अमरत्व की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति ये हो जाती है, ऐसी बात उपनिषद में बताई गई। और संन्यास योगा यतया शुद्ध सत्वा, अर्थात संन्यास योग से ही ये परम तत्व की प्राप्ति होती है, ईश्वर प्राप्ति होती है, ऐसा भी उपनिषदों में बताया गया। तो संन्यास शब्द और त्याग शब्द दोनों के बीच में जो समस्या है उनको समझने की, वो उसके बारे में पूछ रहा है। आप लोग बहुत खुशनसीब हैं, बिना पूछे आपको तो उत्तर दिया जाता है। अर्जुन ऐसा खुशनसीब नहीं था, प्रश्न पूछने पर ही उत्तर दिया जाता है। मगर वो परिपाटी अच्छी है, क्योंकि अगर भूख लगे और मांगो खाना अगर दिया जाए तो कितना मीठा लगता है, और भूख नहीं है, चाहिए नहीं है और पकवान दे दो तो भी वो जहर लगता है। अच्छा, बस आप लोग की ऐसी स्थिति उपदेश के बारे में है। भगवद गीता का उपदेश के लिए आपके मन में भूख जगाने की जरूरत है। अच्छा, अर्जुन ने प्रश्न पूछा, भगवान ने उत्तर दे दिया। भगवान ने कहा आप संन्यास के बारे में जानना चाहते हो, त्याग के बारे में जानना चाहते हो, और त्याग की तो महत्ता है। हमारे राष्ट्र ध्वज में भी एक रंग है, कौन सा रंग है जो त्याग का प्रतीक है? ऑरेंज, ऑकर, ये त्याग का प्रतीक है, रिनंसिएशन, द कलर ऑफ रिनंसिएशन। तो त्याग का बहुत महत्व है हमारे परंपरा में, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में त्याग बलिदान की तो बहुत बड़ी बड़ी महत्ता है। तो इसके बारे में अर्जुन को प्रश्न हुआ और पूछ लिया। भगवान ने बताया काम्यानां कर्मणां न्यासः संन्यासं कवयो विदुः, तीसरे श्लोक में बता दिया। काम्य कर्म का त्याग उसे संन्यास कहा गया है। और दूसरी भी व्याख्या बता दी, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस त्याग विचक्षणाः, और सर्व कर्मों के फल, कर्म के फल का त्याग करना, फल के त्याग को त्याग कहा गया है। तो संन्यास और त्याग दोनों की बात बता दी, उत्तर दे दिया है। अब हमें जानना है कि क्या है वास्तव में। तो न्यास का मतलब भी त्याग हो, और त्याग का मतलब भी त्याग हो, छोड़ना, त्याग माने छोड़ देना। तो छोड़ना ही अगर त्याग है, संन्यास का अर्थ भी वैसे तो शब्दार्थ तो एक ही है, तो मतलब यहाँ फर्क कहाँ पर है? तो संन्यास की बात, त्याग की बात, अधिकार भेद से दो प्रकार के संन्यास की बात की गई है। एक मुख्य रूप से संन्यास है, एक गौण रूप से संन्यास है, क्योंकि दो प्रकार के अधिकारी होते हैं। दूध तो बड़े बच्चों को भी पिलाया जाता है और छोटे बच्चों को भी दिया जाता है, मगर छोटा बच्चा है ना, उसको सीधा दूध नहीं देते, उसको है ना दूध में पानी मिलाया जाता है, उसके अंदर फिर नटमेग वगैरह डालना पड़ता है, क्यों? तो डाइजेस्ट नहीं होता उनको, प्योर दूध डाइजेस्ट नहीं होता। और बड़े को तो बासुदी भी डाइजेस्ट हो जाती है, तो उनके लिए तो कोई भी दूध, गाढ़ा दूध चलता है, बच्चों को नहीं दिया जाता। बस इसी प्रकार से यहाँ पर त्याग के बारे में भी अधिकार भेद के अनुसार दो प्रकार का त्याग बताया गया है। मुख्य त्याग जो संन्यास है उसका अर्थ क्या है वो पहले देख लेते हैं। तो मुख्य संन्यास है आश्रम संन्यास, अर्थात ब्रह्मचर्य गृहस्थ। आप संन्यास के आश्रम के बारे में तो जानते हो ना, हमारे धर्म में चार आश्रम की बात कही गई है। पहला आश्रम कौन सा आश्रम? जरा जोर से है, अरे बच्चों की बात कर रहे हैं, बड़े बोल रहे हैं। पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम। विद्या उपार्जित करना होता है उसमें, कर्तव्य क्या है? विद्या उपार्जित करना, वो ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, विद्या उपार्जित करने के बाद धर्म का अनुष्ठान करके पुण्य उपार्जित किया जाता है, उनका ध्येय है पुण्य की प्राप्ति। तो गृहस्थ धर्म, गृहस्थ जीवन धर्म प्रधान जीवन है। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम संयम प्रदान है, अंतर्मुख होने का, विड्रॉ करने का। जगत में जो काम करने के समय हम आउटवर्ट हो गए थे गृहस्थ में, अब इंट्रोवर्ट होने का समय हो गया। क्यों? पृथ्वी को छोड़ने से पहले उनकी तैयारी करने का समय है, उसको कहते हैं वानप्रस्थ समय, वो तपश्चर्या प्रधान जीवन है। और अंतिम जो है उसे संन्यास आश्रम कहते हैं। हमारी परंपरा में चार आश्रम है, याद रखना। और संन्यास आश्रम किस लिए है? वो ज्ञान के लिए है,
ज्ञान प्रदान है। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान प्रदान। कौन सा ज्ञान? साविद्या या विमुक्त है, उसके लिए है। अगर जो किसी को जब किसी को ये जिज्ञासा विद्या प्राप्ति की अगर बहुत तेज हो गई तो उनको क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य से ही सीधा संन्यास ले सकते हैं, जैसे हमने लिया। किस लिए लिया? ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो ये चार आश्रम है। तो पहला जो है तो संन्यास आश्रम माने इस प्रकार से कपड़े जो पहनते हैं हमारी परंपरा। कई लोगों को हम ट्रेन में जाते पता ही नहीं है कि क्या है, पूछते हैं कौन सी परंपरा से है, कौन से धर्म से है, हमारे धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए आप लोग जानो। तो गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ, गृहस्थ व ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, तीनों को छोड़ के संन्यास आश्रम में आते और ज्ञान प्राप्ति के लिए आते हैं। तो हमने आश्रम को छोड़ा, आश्रम धर्म को छोड़ा, घर छोड़ते हैं, वस्त्र छोड़ देते हैं, अपना नाम भी छोड़ देते हैं, और सिखा शूत्र जिसे कहते हैं वो भी, इसका भी त्याग किया जाता है और वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करते। क्यों? वो ज्ञान प्राप्ति के लिए। संन्यासात् श्रवणम् कुर्यात्, सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ये संन्यास लिया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, तो वो विधि सर होता है, उनकी विधि होती है, जैसे यज्ञोपवीत क्रिया है वो विधि होती है, लग्न विधि आप जानते हैं, अग्नि के कुंड में हवन के साथ फेरा किया फेरा जाता है, वो विधि है। वैसे संन्यास लेने के लिए भी विरजा होम प्रकार की एक विधि होती है, विधिवत संन्यास होता है ये सब। तो ये हमारे परंपरा में विधि है। और वो कौन लेता है ये संन्यास? सिर्फ ज्ञान प्राप्ति के लिए जो लेता है वो जिज्ञासु होते हैं, वो ब्रह्म जिज्ञासु होते हैं, और संन्यास लेकर सिर्फ आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। मगर वो कौन ले सकता है, उनका अधिकारी कैसा होता है? जिसको दूसरी जगह पर दिलचस्पी नहीं है, आसक्ति नहीं है, इच्छा नहीं होती है, बड़ी जो ऑब्जेक्ट्स है उसमें इच्छा नहीं होती है, उनको भोग में आसक्ति नहीं है, इस लोक परलोक के भोग में भी आसक्ति नहीं है, देश विदेश घूमने की भी आसक्ति नहीं होती है, ऐसे जो लोग होते हैं वो शुद्ध चित्त अनासक्त हृदय वाला होता है, वो ये संन्यास ले सकता है, और उसे उत्तम अधिकारी कहा गया है। और उत्तम अधिकारी की दूसरी व्याख्या है साधन चतुष्टय संपन्न, अर्थात जिसके पास विवेक है, बुद्धि है, जीवन में क्या करने लायक है क्या नहीं करने लायक है, नित्य क्या है अनित्य क्या है, जड़ क्या है चेतन क्या है, श्रेय क्या है प्रेय क्या है, इस प्रकार का जो विवेक जिसके पास है, बुद्धि जिसके पास है, वो भोगों से उपराम होकर, अनित्य चीजों से उपराम होकर वो नित्य की ओर आगे बढ़ना चाहता है, तो वो उत्तम अधिकारी होते हैं जिनके पास विवेक है, अनित्य पदार्थों से उनको वैराग्य होता है, और शम दम तितिक्षा पावर ऑफ एंड्योरेंस ये सब कुछ जिसके पास ज्यादा मात्रा में होती, कंपैरेटिवली सब में होती है मगर वो ज्यादा मात्रा में होती है, और स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर लिबरेशन, मुमुक्षा जिसे कहते हैं, बर्निंग डिजायर फॉर लिबरेशन जिसके पास होती है वो इस प्रकार का संन्यास लेते हैं। तो ये मुख्य संन्यास है, उत्तम अधिकारी के लिए है। मगर अर्जुन क्या है? अर्जुन अनासक्त नहीं था, उन्होंने जब भीष्म को देखा और उनको विवेक सोचा कि भीष्म मर जाएंगे तो मेरा तो सब मेरे पितामह चले जाएंगे, तो भीष्म के काल्पनिक वियोग से उनको दुख हो गया, और वो कैसी हालत में हो गए थे? सीदंती मम गात्राणि मुखम जबरी शिष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, ये सारी बात हम पहले अध्याय में सुन चुके। तो ऐसे जो अर्जुन है वो आसक्ति से मुक्त होने के लिए ऐसे धर्म प्रदान जीवन जीने वाले अर्जुन जैसे लोगों को गौण संन्यास का उपदेश दिया गया है। तो वो आंतरिक जो फलाशक्ति है उसके त्याग के लिए उनको संन्यास लेना का बाधा। कौन सा संन्यास लेना है? सिर्फ फल में रही हुई अपेक्षा, फल प्राप्ति की जो कामना, उसका त्याग। कर्म नहीं त्यागना, कर्म तो करना है, फल तो परमात्मा अवश्य देंगे, बिना कुछ मांगे देंगे, मगर अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि मुझे यही फल चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जो आप सुन चुके हैं दूसरे अध्याय में, इस प्रकार का जो त्याग जो कर सकता है, फल की अपेक्षा का त्याग करने वाला है,
वो गौण प्रकार का संन्यास है, वो मोक्ष प्राप्ति का अधिकार प्राप्त करने के लिए, उत्तम अधिकारी बनने के लिए वो गौण संन्यास कहा गया है। अशुद्ध चित्त वाले, असक्त चित्त वालों के लिए ये कहा गया है, और आसक्ति और ममत्व से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले धार्मिक मनुष्य को गौण प्रकार का संन्यास लेने की बात की गई है। अब अर्जुन कैसा है, तो अर्जुन के लिए भगवान ने कहा कि गौण प्रकार का संन्यास होना चाहिए। कहां बताया, पांचवें श्लोक में 18 अध्याय में बताया, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, उसको छोड़ो मत, तप ज्ञान कर्म सब करो, धर्म कर्म करो, क्यों, कार्यम एव तत, आपके लिए वो कार्य करना ही चाहिए। एतानि अपि तु कर्माणि, क्योंकि अर्जुन दूसरे प्रकार का अधिकारी था, इसलिए अर्जुन को इस प्रकार के अधिकारी भेद से, जैसे मैंने बताया कि बच्चों को पानी देकर दूध, पानी डालकर दूध दिया जाता है, सिर्फ दूध नहीं पचा सकता है, बस ऐसा ही अर्जुन की स्थिति है, इसलिए उनको बोला गया कि कर्माणि संगम त्यक्त्वा, सर्व कर्माणि अपि संगम त्यक्त्वा फलानि च, फल की आसक्ति, फल का संग को छोड़कर कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम, हे पार्थ तुम्हारे लिए मेरा मत ऐसा है कि तुम्हारे लिए ऐसा कर्म करना चाहिए, फल की अपेक्षा रहित होकर कर्म करना चाहिए, ये तुम्हारे लिए विहित है, ऐसा मेरा मंतव्य है। और दूसरी बात समझ ले, नहीं देह भूतां शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अवशेषतः, कोई पर देहधारी मनुष्य कर्म को छोड़ नहीं सकते। कौन सा कर्म छोड़ सकते हैं, आप लोग बैठे हैं, कई लोग सुनते हैं, कई लोग थैले में से निकालते हैं डालते हैं, कई बात करते हैं, कोई पानी पीते हैं, कोई इधर देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं ना, हाँ मुझे सब दिखाई देता है, सबको मैं देख रही हूँ, कोई ना कोई तो काम कर रहे हैं, ऐसा मत सोचो मुझे पता नहीं है, मुझे पता है कौन सुनते हैं कौन नहीं सुनते हैं, मगर जो सुन रहे हैं उनका टाइम में बिगाड़ना नहीं चाहती। अगर मैं आपकी प्रोफेसर होती तो सबको एक ध्यान में जुटा दिया होता मैंने, ठीक है, मगर आप देखो आप जितना इधर उधर करेंगे ना, ये अमूल्य टाइम आपका आप गवाएंगे, यू आर लूजर नॉट आई, आई एम नॉट लूजर, समझ लेना। यहाँ भगवान कह रहे हैं, यह तो कर्म फल त्यागी सत्यागी इति अभिधीयते, जो कर्म फलों का त्याग करना है, कर्म फल की अपेक्षा का त्याग करने वाला है, वही सच्चा त्यागी है, ऐसी बात अर्जुन के लिए बताई गई है। उसके बाद अब आत्म तत्व का निरूपण, जो बहुत ही महत्व का, द एसेंस ऑफ एंटायर स्क्रिप्चर्स, वो बात कही गई है, और बहुत ही बड़ी बात कही गई, जरा ध्यान से सुनना, बाकी का सब सुनो ना सुनो, मगर ये दूसरा जो टॉपिक है उसको गौर से सुनना। सर्वप्रथम ये जब हम कर्म करते हैं, कभी एनालिसिस किया, केमिस्ट्री में एनालिसिस की आप की बात आती, पाउडर देते उसका एनालिसिस करो, जो भी घटक हम देखते हैं ना, एक क्या है, कैसे बना, किसने बनाया, हम सब जानने का प्रयत्न करते हैं, मगर हमने कभी हमारे कर्म का एनालिसिस किया, कर्म क्या है, कर्म कैसे होता है, कर्म पांच घटक से होता है, देयर आर फाइव एस्पेक्ट्स ऑफ एक्शन, पांच घटक कौन सा है, तो यहां पर भगवान ने बताया, पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणां, सर्वकर्मणां सिद्धये, सर्वकर्मों को सिद्ध करने के लिए ये पांच घटक होना चाहिए। मैं 18 अध्याय की 18 अध्याय की भाषा को इंटरप्रेट कर रही हूँ, तो याद रखना अपने कोर्स में जो भी चल रहा है उसी की बात करें। नंबर एक, पांच घटक में कौन सा है, तो अधिष्ठान, अधिष्ठान किसे कहते हैं, तो कि जहां हो रहकर हम कर्म करते हैं, हमारा स्थान, अभी आप लोग सुनने का काम करते हो, कहां बैठ के करते हो, कहां बैठ के करते हो, कॉलेज के हॉल में, पेड़ के नीचे नहीं बैठे हैं, ठीक है ना, तो ये जो हॉल है ना, ये वो आपका अधिष्ठान है, जहां बैठकर आप सुन रहे हैं, तो हम जब कर्म करते हैं तो कहां रहकर हम कर्म करते हैं, इस शरीर में रहते रहते कर्म करते हैं, मनुष्य एक ही कर्म योनि है, पशु कर्म नहीं करता है, वो कर्मयोनि नहीं है, मनुष्य कर्मयोनि है, तो मनुष्य शरीर जो है उसको अधिष्ठान बोला गया है, तो नंबर एक अधिष्ठान होना चाहिए, मनुष्य शरीर होना चाहिए कर्म करने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, कर्ता, कर्म करने के लिए शरीर तो मिला है, और कर्म करने वाला तो होना चाहिए, यहाँ तो बैठे हॉल तो है, मगर सुनने वाले आप भी तो चाहिए, तो करने वाले जो है उसको कर्ता कहते हैं,
कर्ता माने डूअर, आई डू, ऐसे जो सेंस है उसे कहते हैं कर्ता। कर्तृत्व बुद्धि को कर्ता कहते हैं, इसे अहंकार भी कहा गया है। अहंकार माने आई एम डूइंग, आई एम डूअर, आई डू, ओके। तो ये दूसरा है कर्ता। तीसरा है कर्ण, कर्म तो करेंगे आप लोग, सुन रहे हैं, कैसे सुनते हैं, किससे सुनते हैं, कर्ण से, कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, तो आंख देखने का साधन है, कान सुनने का साधन है, हाथ से लिखते हैं तो हाथ लिखने का साधन है, कलम भी लिखने का साधन है, तो जो साधन है उसको कर्ण कहा गया। कर्ण माने उपकरण, ये शब्द प्रयोग तो हम करते हैं, बार बार करते हैं, उपकरण माने मीन्स, कर्म करने का साधन। तो तीसरा नंबर है साधन। चौथा है साधन, मेरे पास है, अगर मेरे पास ये हाथ है, कलम है, कागज है, मैं बैठी भी हूँ, हॉल भी है, तो क्या पत्र लिखा जाएगा? लिखने की क्रिया करनी पड़ती है, लेखन कार्य करना पड़ता है ना, तब पत्र लिखेंगे। तो लिखने जब कार्य है उसको क्रिया कहते हैं, जो की जाती है वो क्रिया है। जीवा तो है मगर मैं बोलूंगी तो बोलने की क्रिया होती है, मैं सुनूंगी तो सुनने की क्रिया होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका माइंड चला गया है हॉल के बाहर, वो कहाँ है, वो सुनते नहीं है, वो सोचते हैं, सुनते बहुत कम है, सोचते हैं, कई दूसरे विषय की सोचते हैं। आप लोग किसके बारे में सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं? प्रश्न ही नहीं सुना ना किसी ने, मतलब कि सुनते ही नहीं है। अब क्या सुन रहे हो? हाँ, अभी आप बोलो कि आप जो बोल रहे हैं वो मैं सुन रहा हूं, ऐसा तो है कि नहीं है? इतना आसान प्रश्न पूछ रही हूँ, नॉट आउट ऑफ सिलेबस, कोई नया प्रश्न भी नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, अध्यात्म के जितने जितने ग्रंथ हैं वो हमारे जीवन का ही दर्शन करवाते हैं, अपने आप को दिखाता है, वो अपनी बात करते हैं, कोई नई बात नहीं है, कोई अलग बात नहीं है, अपने जीवन को ही वो अनफोल्ड कर रहे हैं, सारे स्क्रिप्चर्स जीवन को अनफोल्ड कर रहे हैं। तो ये देखो कर्म के बारे में हम सोच रहे हैं। अच्छा, आगे बोलते हैं क्रिया, फिर बाद में पांचवा जो है प्रारब्ध संस्कार, जिसको बोलते हैं संस्कार बोलो, प्रारब्ध बोलो, वासना बोलो, एक दैवम कहा गया है यहाँ। वो दैवम क्या होता है? देखो मेरे पास हॉल है, अधिष्ठान है, मेरे पास हाथ है, कलम है, कागज है, तो मेरे पास करण है, मैं करने वाली हूँ, मैं लिखने वाली हूँ, करता हूँ, मैं लिखने की क्रिया करूँगी तो क्रिया भी होगी, तो ये चार घटक तो हो गया, मगर मैं क्या लिखूंगी, बता सकते हो आप? मैं क्या लिखूंगी, कोई फिल्म एक्टर के बारे में लिखूंगी, किसके बारे में लिखूंगी? मना आप लोगों ने तो सीधा मना कर दिया, क्यों नहीं लिखूंगी? क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है, वो मेरा संस्कार नहीं है। मैं क्या लिखूंगी? जिसका संस्कार मेरे अंदर है, जो मैं जानती हूँ, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में जिस विषय का संस्कार है उसी के बारे में लिखा जाता है। तो क्रिया तो हर लोग कर, सब करते हैं, मगर कोई करते हैं डांस की क्रिया करते हैं, कोई नाटक की क्रिया करते हैं, कोई ड्राइंग करता है, तो क्रिया तो सबकी अलग अलग क्यों है? उसके संस्कार के अनुरूप क्रिया होती है ना? तो कर्म में संस्कार भी इतने ही जिम्मेवार होते हैं। तो संस्कार उसके दैवम बोला, करण माने साधन, अधिष्ठान माने शरीर, क्रिया जो करते हैं वो, और करने वाला कर्ता। कौन कर्ता कौन है? सुनने की क्रिया कौन कर रहे हैं अभी? हाँ, बोलने की क्रिया, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं बोलती हूँ, बोलने की क्रिया करती हूँ। आप बोलेंगे हम कि मैं सुनने की क्रिया करता हूँ, तो मैं करता हूँ, सुनने की क्रिया करने वाला करता हूँ, बोलने की क्रिया करने वाली करता हूँ, तो करता कौन है? हूँ मैं, अहम, आई, आई डू, आई लिसन, आई सी, आई स्पीक। तो जो आई है ना, इसको कहते हैं ईगो, इसको कहते हैं अहंकार। ये ईगो अलग है, जो हम दूसरी बात करते हैं वो ईगो अलग है, उसको प्राइड कहते हैं, मगर ये जो ईगो है उसमें सिर्फ यही है कि मैं कर्म कर रही हूं। ये इतना
पांच घटक होने से कर्म होता है. दिस इज द एनालिसिस ऑफ एक्शन. हमारे शास्त्र में बताया गया है, कहीं पर नहीं बताया, कोई दूसरे सब्जेक्ट में ये बातें नहीं कही गई है. अच्छा, आगे सुनते हैं. हमारी जो पर्सनालिटी है उसमें चार बात महत्व की है. वी आर एंडोर्ड विथ फोर एस्पेक्ट्स. एक तो हमारे पास एक ग्रॉस बॉडी है, दूसरी जो है हमारी सटल बॉडी. सटल बॉडी किसे कहते हैं? जो सूक्ष्म होती है. सूक्ष्म क्या है? मन. मन सोचता है. मन है कि नहीं आपके पास? मन है कि नहीं? है. आप अपनी भावना को प्रकट करते हैं, मतलब है. और बुद्धि, दिमाग, वो भी है. दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता तो मुझे तुरंत पता चलता कि ये बच्चा इधर ये सोच रहा है, ये बच्चा ये सोचता है. वो नहीं दिखाई देता. सूक्ष्म है. सूक्ष्म इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं. तो इनर शरीर जिसको कहते हैं, सटल बॉडी जिसे कहते हैं, वो पर्सनालिटी का दूसरा आयाम है. ये क्रॉस बॉडी है और एक सटल बॉडी है. याद रखना, हमारी परंपरा में ये शरीर के ऊपर कुछ नहीं किया जाता. वो तो भगवान ने जो बनाया बनाया, उसको इधर उधर नहीं किया. मगर संवारने की जरूरत है. अगर ये बॉडी कैसा भी हो, सुख दुख के लिए वो शरीर महत्व का नहीं है. आपके जीवन के सुख दुख के लिए आपकी इनर पर्सनालिटी, मन, बुद्धि, ये जिम्मेवार है. उसको संवारने की जरूरत है. उसको अच्छा बनाओ सुखी होने के लिए. अगर वो अंदर से अच्छा रहा ना, तो आप कैसे भी दिखने वाले हो, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे. और मुस्कुराता चेहरा है ना, वो खिले हुए फूल की तरह होते हैं. अगर मुस्कुराता चेहरा ने कितने भी ऐश्वर्या राय हो जैसा हो, मगर मुरझाया हुआ फूल होगा, वही उसको देखेंगे भी. तो इनर पर्सनालिटी को ठीक करना. अच्छा, दूसरा शरीर जो है उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर. और दोनों शरीर की प्राप्ति क्यों हुई है हमें? Why we have these two bodies? The cause of these two bodies is called causal body. And उसको कहते हैं because of ignorance. अविद्या बोलते हैं, कारण शरीर बोलते हैं. ठीक है. अब ये शरीर जो है ना, वो तो जड़ है. क्योंकि मुर्दा होता है, वो तो जड़ होता है. ये शरीर तो जड़ है, उसमें चेतन नहीं है. अगर होता तो मृत्यु होती नहीं. मिर्ची कैसी होती? तीखी. तो मिर्ची हमेशा तीखी रहती है, सूखने पर भी तीखी रहती है ना. उसका तो पाउडर बनाकर भी उपयोग में लिया जाता है. तो ये शरीर अगर चेतनवान होता तो मुर्दा होता ही नहीं, हमेशा चेतनवान होता. मगर ऐसा नहीं, ये तो जड़ है. वो सूक्ष्म शरीर जिसे बोलते हैं, शास्त्र कहते हैं, वो भी जड़ है, इंस्ट्रूमेंट है. वो तो अंतकरण है उसमें. वो तो सटल बॉडी तो इंस्ट्रूमेंट है, भोग साधन माना गया उसको. और साधन हमेशा जड़ होता है. ये भोग आयतनम, ये घर की तरह है ये शरीर. तो वो भी जड़ है, वो साधन की तरह जगह पर है. तो फिर ये चेतनता एनलिविन कैसे होते हैं? जिसकी वजह से ये चेतना दिखाई देती है, वो चैतन्य हमारा चौथा फैक्टर है. ठीक है. अब देखो, एक कार्य कौन कर रहा है? अगर शरीर जड़ है तो हाथ ऊपर नीचे क्यों होता है? मुर्दे का नहीं होता है? शरीर का क्यों होता है? कैसे होता है? ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में आएगा. अब जो आत्मा जिसको बोलते हैं, वो चैतन्य स्वरूप है. वो चैतन्य आत्मा कुछ भी करता नहीं है. नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्. पढ़ गए होंगे, पढ़ा ना आपने नव अध्याय में. वो तो देही है, चैतन्य है, वो कुछ करता नहीं है. कॉन्शियसनेस जिसको बोला गया, क्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, कॉजल बॉडी एंड कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस कुछ नहीं करता है, अकरता है. वो कैसा है? बिजली की तरह है. अच्छा, अभी जो लाइट आ रही है, वो बिजली लाइट कौन दे रहा है? प्रकाश किसकी वजह से आ रहा है बताओ तो? प्रकाश कौन दे रहा है? बिजली. अगर बिजली प्रकाश देती तो बल्ब क्यों डाले? बल्ब निकालो. बिजली तो है ही, प्रकाश आना चाहिए. आएगा क्या? नहीं आएगा. तो कैसे आता है प्रकाश? बल्ब से. तो बल्ब रखो, वायर कनेक्शन निकाल दो. सोच में पड़ गए? पढ़ना भी चाहिए, तभी तो समझेंगे आप. सिर्फ बिजली प्रकाश नहीं दे सकती, बिजली प्रकाशित नहीं करती है.
सिर बल्ब भी प्रकाश नहीं देता है, मगर बिजली के संपर्क में आया हुआ बल्ब प्रकाश देता है। बिना बिजली बल्ब अकेला अप्रकाशित है। अच्छा, पंखा चलता है, पंखा कौन चलाता है? हाँ, जल्दी जल्दी उत्तर दो, जल्दी जल्दी सीखेंगे। पंखा कौन चलाता है? बिजली नहीं, पंखा बिजली नहीं चलाता। जैसे आपको पता चल गया अभी मैंने बोला ऐसा, तो पंखा अगर बिजली चलाते, बिजली ही रखो ना, पंखा चलेगा, फ्रिज चलेगा, हीटर चलेगा, सब कुछ होगा। बिजली तो कुछ नहीं करती है, बिजली कुछ नहीं करती है, मगर बिजली के बिना कुछ नहीं होता है। ना तो फ्रिज काम करेगा, ना हीटर काम करेगा, ना एसी काम करेगा, ना पंखा काम करेगा, ना लाइट काम करेगी, ठीक है ना? अच्छा, तो बिजली जो है उसकी उपस्थिति में पंखा हवा फेंकता है। पंखा हवा बाहर फेंकता है कि अंदर फेंकता है? हाँ, अरे जैसे पंखा रखो वैसा जाएगा। एग्जॉस्ट फैन होता है कि नहीं होता है? तो बाथरूम की एग्जॉस्ट फैन बाहर हवा फेंकता है, और यहाँ कमरे का पंखा अंदर हवा लाता है, सर्कुलेट करता है, ठीक है ना? तो वो तो कैसे हम डिजाइन करते हैं उसके ऊपर आधारित है। पंखा है, ये कैसी हवा फेंकेगा, ठंडी हवा, गर्म हवा, वो डिजाइन के ऊपर आधारित है। अगर कूलर है तो वो पंखा हमें ठंडी हवा देगा, हीटर होगा तो गर्म हवा देगा, तो वो हमारी डिजाइन के ऊपर आधारित है। उससे बिजली का क्या संबंध है? कोई संबंध है क्या? नहीं। अगर फिलामेंट टूट गया तो क्या करेंगे? जीबी को, इलेक्ट्रिसिटी को, बोर्ड को फोन करेंगे? नहीं, क्या करेंगे? हाँ, हम बोर्ड कॉइल बदलेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बल्ब फ्यूज हो गया, क्या करेंगे? वायरिंग निकालेंगे ना। वायर से मतलब है, ना इलेक्ट्रिसिटी से मतलब है, सिर्फ बल्ब जो फ्यूज हुआ है उसका फ्यूज डालो या तो बल्ब बदलो, ठीक है? बस ऐसे ही जितने जितने शरीर है वो एक बल्ब की तरह है, और जो चैतन्य है वो बिजली की तरह है। बिजली तो रहती ही है, प्रॉब्लम शरीर को होती है। शरीर बिगड़ता है, शरीर में प्रॉब्लम होती है, शरीर का क्षय होता है, शरीर वृद्ध होता है, शरीर बीमार होता है, शरीर फ्यूज होता है। फ्यूज की अनुपस्थिति बिजली की अनुपस्थिति नहीं है। वो शरीर क्या काम करेगा? अगर लाल बल्ब है तो लाल लाइट आएगी, ग्रीन होगा, कई कलर की होते हैं ना, जब हम देखते हैं डेकोरेशन में कितने प्रकार के बल्ब होते हैं, उनका अलग अलग डिजाइन है। तो मेरी डिजाइन अलग है, ये बल्ब की अलग है, ये बल्ब की अलग है, ये ऑर्गेनाइजर का बल्ब अलग है, मगर अंदर से जो चेतना है वो है मात्र चैतन्य आत्मा, वो सभी में एक ही है, और वो बिजली की तरह अकर्ता है, वो करता नहीं है। मगर बल्ब के संपर्क में आने से बिजली प्रकाशती है ऐसा बोला जाता है, पंखे के संपर्क में आने से बिजली हवा देती है ऐसा बोला जाता है, ठीक है ना? ऐसा बोला जाता है कि बिजली फ्रीज में ठंडक उत्पन्न करती है, एसी से बिजली ठंडी हवा उत्पन्न करती है, ऐसा बोला जाता है। वास्तव में आप समझ गए हैं, आप विद्वान हैं। भले कोई बोले कि बिजली की वजह से ये चलता है, तो बिजली बल्ब जलाती है, मगर बिजली बल्ब जलाती नहीं है, बिजली तो अकर्ता है। वैसे चैतन्य आत्मा जो सभी में है, एक ही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजली नहीं होती है, बिजली तो एक ही होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज वन, जस्ट लाइक दैट द कॉन्शियसनेस इज वन इन ऑल बीइंग्स। और कहते हैं कि जो व्यक्ति ये समझता नहीं है कि हम बिजली की तरह चैतन्य आत्मा हूं, मगर ये चैतन्य आत्मा ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कार्यान्वित, शरीर कार्यान्वित होता है। पंखा चलने से क्या पंखा में जान आ गई? पंखे के पंख तो बिजली की वजह से चलता है, मोटर बिजली की वजह से चलता है, वो तो जड़ है। वैसा ही शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, ये दोनों जड़ है, चैतन्य की उपस्थिति में उसके द्वारा क्रिया होती है, मगर ना तो वो करता है ना तो वो बिजली करता है। वैसे ही ना तो चैतन्य करता है
ना तो शरीर करता है, मगर चैतन्य की उपस्थिति में ये दोनों शरीर कार्य करता हुआ दिखाई देता है। तो मैं स्वयं कौन हूं? आई एम द कॉन्शियसनेस। मैं जड़ नहीं हूं, आई एम द इनर वन, आई एम दैट कॉन्शियसनेस बिकॉज ऑफ विच द बॉडी इज अलाइव, बिकॉज ऑफ विच द बॉडी इज सेंशिएंट, माइंड इज सेंशिएंट, माइंड इज वर्किंग। समझ में आई बात? अब यहां देखो भगवान ने क्या बताया। सार में ये बहुत महत्व का मुद्दा है, तो मैंने थोड़ा समय ज्यादा लिया आपके लिए, क्योंकि कुछ समझो ना समझो मगर ये तो समझना जरूरी है कि जैसे ही, अच्छा आपने वो बिलोरी कार्ड देखा है जो हम लोग तो कभी कभी समर में ऐसे छोटे छोटे कागज या रुई रखते थे और बिलोरी कांच रखते थे और सूर्य प्रकाश की किरण उसमें आती थी और हम नीचे रुई को जलाते थे। आपने कभी किया है? हाँ? अब मुझे बताओ रुई कौन जलाता है? तो बिलोरी का हटा लो, सूर्य प्रकाश में रखो, गंदे रखो तो सब जल जाएंगे। सोच के जवाब दो, बिजली नहीं जलाती है तो क्या बिलोरी का जलाती है? तो घर में रखो बिलोरी का, रात को भी रखो जलाओ, नहीं। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बिलोरी कांच सबके संपर्क में सूर्य प्रकाश आएगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, तब जाके वो रुई को जलाता है। समझ में आई बात? बस ऐसे ही सिर्फ चैतन्य कुछ नहीं करता है, सिर्फ शरीर कुछ नहीं करता है, मगर चैतन्य की उपस्थिति में ये शरीर कार्य करता हुआ दिखाई देता है। तो ज्ञानी क्या समझता है? पांचवे अध्याय में आ गया, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्तः, पश्यन् शृण्वन् पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ज्ञानी समझ गए हैं, आप लोग अब ज्ञानी हो गए, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, ना मैं करती हूँ ना मैं करता हूँ, मेरी उपस्थिति में ये शरीर आंख देखती हुई देखती है तो वो देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है, चलता है, आंख मूंदता है, आंख खोलता है, फिर भी वो क्या समझता है? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रिया अपने अपने विषय में जाती है, मगर मैं चैतन्य हूँ, मैं कुछ नहीं करता। पंखा चलता है, बिजली नहीं कहती कि मैं चलती हूँ, ट्रेन चलती है, बिजली नहीं कहती कि मैं दौड़ती हूँ, प्रकाश आता है, बिजली नहीं कहती कि मैं प्रकाशित करता हूँ, बिजली तो कहती तो मैं तो बिजली ही हूँ, वो तो आने जाने वाले ये सब गैजेट्स हैं जिसकी वजह से मेरी अभिव्यक्ति अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। वैसे सभी में एक ही चैतन्य है, अलग अलग उपाधि की वजह से पक्षु पंखी देव किन्नर गंधर्व मनुष्य वो अलग अलग बल्ब की तरह है, अलग अलग गैजेट है जिसकी उपस्थिति चैतन्य की उपस्थिति उसके द्वारा अभिव्यक्त होती, अलग अलग प्रकार से अभिव्यक्त होती है, मैनिफेस्ट होती है। अच्छा एक बात है, इसलिए यहाँ पर बताया गया तत्र एवं सति कर्तारं आत्मानं केवलं तु यः पश्यति। ऐसी बात होने पर भी जो ऐसा मानता है कि मैं करता हूं तो वो न पश्यति, स न पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न पश्यति दुर्मति ही। उनको कुछ पहचाना ही नहीं, जाना ही नहीं है, वो तो अकृत बुद्धि वाला है, मतलब असंस्कारी है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तो चैतन्य हूँ, मैं कुछ करता नहीं, मैं कर सकता भी नहीं। वो चैतन्य आत्मा अविकारी है, वो चैतन्य आत्मा सर्वमय है, निराकार है, सर्वव्यापक है, नित्य है, एट्रीब्यूटलेस है, अविकारी है। और ऐसा आत्मा चैतन्य सभी में होते हुए कुछ करता नहीं है, निरवय होने से कुछ नहीं कर सकता, करने के लिए साधन चाहिए, अवयव चाहिए, जो अवयव नहीं है वो कुछ नहीं करता। जैसे आकाश सर्वव्यापक है, आकाश से कुछ नहीं होता है, सर्वत्र है, नित्य है, आकाश को ना तो काटा जाता है ना मारा जाता है, वैसे ही आत्मा की बात दूसरे दिन बता, अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशुष्य नित्य सर्वगत स्थान अचलोयम सनातन। ऐसा ही आत्मा मैं हूँ, अतः मैं करता नहीं हूँ, मेरी उपस्थिति में शरीर इंद्रिया वगैरह कार्य करती है, ये सच्चा ज्ञान है। अब बात समझिए थोड़ा, ये शरीर और अचैतन्य आत्मा ये दोनों का संबंध कैसा है? संक्षिप्त में बता रही हूँ मगर जरा और से सुनो,
बहुत महत्व की बात आपको बहुत छोटे उम्र में मिल रही है, सोचना और समझने का प्रयत्न करो। ये आत्मा कैसा है, कॉन्शियसनेस कैसा है, ये शरीर में रहता है, शरीर को चेतनवान बनाता है, फिर भी ये शरीर के साथ उनका संबंध कैसा है, क्या ये चैतन्य शरीर का एक भाग है, जैसे हाथ है, ब्रेन है, आंत है, हार्ट है, किडनी है, वैसा एक भाग है कोई, शरीर का कोई भाग नहीं। तो क्या ये शरीर का कोई गुण है, गुणधर्म है, क्वालिटी है? इज इट द क्वालिटी ऑफ बॉडी? कॉन्शियसनेस इज नॉट द क्वालिटी ऑफ बॉडी। बिटरनेस इज अ क्वालिटी ऑफ करेला, बिटर गॉड, मगर ये ऐसा नहीं है, क्वालिटी नहीं है। शरीर के को शरीर की क्वालिटी क्या है, तो 98 डिग्री फारेनहाइट है, एक सब तो शरीर की क्वालिटी है। जन्म लेना, वृद्धि को प्राप्त होना और नाश होना, ये शरीर की क्वालिटी है, ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है चैतन्य की। शरीर की क्वालिटी है ना, आत्मा की नहीं होती। अच्छा, तो शरीर क्या है, वो शरीर से उत्पन्न कोई चीज है? देखो, जैसे हम चूना काथा सब मिक्स करके करो तो क्या रंग आता है, लाल, है ना? आप मेहंदी डालते हो ना, हीना, कौन सा कलर आता है, लाल। तो ये ऐसे उत्पन्न, लाल रंग उत्पन्न होता है क्या, ऐसा शरीर में ये चैतन्य उत्पन्न होता है? नहीं, शरीर में भी है, शरीर से बाहर भी है, इसलिए वो शरीर की मर्यादा से मर्यादित नहीं है। चैतन्य इतना ही नहीं है, आप में है, हमारे में है, पता जी, वहां तो है, यहां तो है, हमारे बीच में है कि नहीं, हमारे बीच में है कि नहीं, समझ में नहीं आता है कि नहीं, ठीक है ना, होगा कि नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं बताता हूं, ये क्या है, ये क्या है, जरा जोर से, रुमाल। ये क्या है, वाह, बहने के पास ही ताकत है, भाई लोगों को ताकत ही नहीं, क्या बात है, जिम में कौन जाता है, दौड़ने कौन जाता है, बिल्कुल ताकत खलास हो गई। ये रुमाल है, कैसे पता चला कि रुमाल है, यू कैन सी इट, यू कैन सी विदाउट, भाई हाउ कैन यू सी इट, इफ देयर इज डार्कनेस यू कांट सी, बिकॉज द लाइट इज देयर, यू कैन सी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यू कैन सी एंड यू टेल दैट दिस इज रुमाल। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यू अप्रिशिएट प्रेजेंस ऑफ स्पेक्टिकल्स। तो ये चश्मा है और ये रुमाल है, ठीक है। तो लाइट कहाँ पर है, जहाँ रुमाल है वहाँ लाइट है, यहाँ चश्मा के ऊपर लाइट है, तो यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट है, मगर ये दोनों हाथ के बीच में तो लाइट नहीं है ना, हाँ नहीं है ना, हाँ देखो तो दिखाई तो नहीं देता है, दिखाई देता है क्या, समझ लो, वैसे तो लाइट कभी दिखाई नहीं देती, यहाँ पर भी लाइट नहीं दिखती, आपको रुमाल दिखता है, यहाँ पर भी स्पेक्टिकल्स दिखता है, लाइट नहीं दिखता, लाइट इज अनसीन, इट इज एनर्जी, शक्ति कभी दिखाई नहीं देगी, ये पावर है, लाइट पावर बोलते हैं उसको, वो दिखाई नहीं देगी, बट द प्रेजेंस ऑफ लाइट यू कैन अप्रिशिएट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और दोनों हाथ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते। और ये अप्रिशिएट क्यों होता है, तो मीडियम है, अभिव्यक्ति का माध्यम है, प्रकाश की अभिव्यक्ति का माध्यम रुमाल है। तो आपने बोला कि यहाँ लाइट है, प्रकाश की अभिव्यक्ति का माध्यम स्पेक्टिकल्स चश्मा है, इसीलिए आपने बोला यहाँ है, मगर इन दोनों के बीच में प्रकाश तो है, अभिव्यक्ति का माध्यम है, इसीलिए समझ में नहीं आता है, मगर है। बस ऐसे ही जैसे मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊं तो यहाँ तो चमकता है, दिखता है ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी लाइट थी, लाइट नहीं आती जाती है, ये हाथ से अगर मैंने ये यहाँ ला दिया तो कौन आया, रुमाल आया, लाइट आती है यहाँ पर नहीं, क्योंकि वो तो है पहले से ही है। ऐसे ही आप इधर से उठकर इधर आएंगे तो आपके यहाँ होंगे तो क्या आप चेतनहीन हो जाएंगे, नहीं, जहां पर जाऊंगी आपका चेतन तो रहेगा, वो लाइट की तरह सर्वव्यापक है, आपका शरीर इधर उधर होता है जैसे रुमाल इधर उधर होता है, तो एप्रिशिएशन ऑफ लाइट उसका माध्यम बदलता है, जगह बदली जाती है,
मगर लाइट तो हर जगह है, वैसे ही चैतन्य हर जगह है, मगर अभिव्यक्ति का माध्यम न होने से हम उसको एप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। लाइट देखो, इस रुमाल को अगर जला दिया जाए, नाश हो गया, तो क्या लाइट का नाश हो जाएगा? नहीं। तो क्या होगा? मैंने आगे बताया, रुमाल का नाश होगा तो लाइट की अभिव्यक्ति नहीं होगी जो रुमाल के माध्यम से हो रही थी, मगर लाइट तो रहती है। ऐसे ही शरीर नष्ट होने के बाद जो चैतन्य की अभिव्यक्ति शरीर से हो रही है वो नहीं होगी, मगर चैतन्य तो रहेगा। समझ में आया? तो शरीर नाश से चैतन्य का नाश नहीं है, शरीर की मर्यादा से चैतन्य की मर्यादा नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है, और शरीर का नाश होने से चैतन्य का नाश नहीं, वो तो नित्य है, तो व्यापक है। सर्वगतः नित्यः स्थाणुः अचलः, सर्वव्यापक होता है वो, अचल होता है, और वही आत्मा है। और ये आत्मा मैं हूँ, निर्विकारी हूँ, निरवय हूँ, पूर्ण हूँ, अतः मैं अकर्ता हूँ। और जो कर्म करता है वो फल भोगता है, मैं अकर्ता हूँ अतः मैं अभोगता हूँ। आई डोंट एंजॉय द रिजल्ट ऑफ एक्शन, करता और भोगता मैं नहीं हूँ। मगर ये सत्य होने के बावजूद अगर किसी, जो कोई इसको नहीं जानता है, समझ लो वो कुछ जानता ही नहीं, वो अज्ञानी लोग हैं, वो अपने आप को कर्ता मानते हैं। मगर अगर आपने जान लिया कि मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ, मैं कर्ता नहीं हूँ, मेरी उपस्थिति से शरीर के द्वारा कर्म होता है, तो कितना बड़ा फायदा होता है। तो कर्म का फल नहीं मिलेगा, कोई भी पाप करो आप फल के भागीदार नहीं होंगे, दुख के भागीदार नहीं होंगे, दुख से मुक्त हो जाएंगे। तो ये घोषणा यहाँ पर भगवान ने की है, यस्य नाहं कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान् नायमन्ति अन्यते न हन्यते। भगवान ने बोल दिया कि अगर तुमने कितने भी लोगों को मार दिया, अगर कोई भी पाप आपको नहीं लगेगा। प्रश्न मत करना कि मैं जाके मारू तो क्या तू करता है? अगर तू अपने आप को करता मानता है तो भगवान मारेगा, समझ लेना। मैं मारू मतलब कि तू करता होगा, अगर अपने आप को करता माना तो फल भोगने के लिए तैयार रहो, मगर अपने आप को आत्मस्वरूप से जान लिया तो आप कर्म कर ही नहीं सकते। आप तो अक्रिया आत्मा हो, चेंजलेस एंटिटी हो, ना मरने वाले हो, ना जन्मने वाले हो, अजन्मा हो, अविनाशी हो, अमर हो। और ऐसे अपने आप को जो मान लिया, अर्थात तो उसमें मैं बुद्धि करनी जरूरी है, ये समझ तो लिया कि चैतन्य आत्मा क्या है, व्यापक है वो, सब चैतन्य आत्मा बिजली की तरह व्यापक है, प्रकाश की तरह व्यापक है, और वो मैं हूं, ये आत्मसात करना पड़ेगा। आत्मसात करने से ये बात बताई गई है कि ऐसे ज्ञानी के लिए वो पुण्य पुण्य विवर्जित पंथ, वो अभी अभी मुक्त की मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। और इसी विचार से ही जब दूसरे अध्याय बता गया, य एनम वृत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौतौ न विजानीतः नायम हन्ति न हन्यते, जो मानता है, अर्जुन को बोलते हैं दूसरे अध्याय में, भगवान बोलते हैं आपको उपसंहार हो रहा है, कि जो ऐसा मानता है कि मैं मारूंगा और ये लोग करो कौरव मर जाएंगे, या तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, मैं मारने वाला हूँ और मरने वाला हूँ, वो दोनों में से आत्मा एक भी नहीं है, आत्मा कर्ता भी नहीं है, आत्मा कर्म भी नहीं है, कर्म की क्रिया, क्रिया का कर्म भी नहीं है। ऐसा ये आत्मतत्व, ये चैतन्य आत्मा, वो हमारा असली स्वरूप है। अगर आपने इसको जान लिया तो आपका मनुष्य जन्म सफल, नहीं जाना महति विनष्टि यह चेत अवेदिन अथ सत्यमस्ति, ऐसी बात उपनिषद ने बताई है। अगर आप कुछ मत जानो, कोई भी पास हो न पास हो, मगर इतना अगर जान लिया ना, समझ लेना आपका जीवन सफल हो, आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं। मुंडक श्रुति कहती है, तस्मिन् न भवो विज्ञाते इदं सर्वं विज्ञातं भवति, ऐसा ऐसी कौन सी चीज है जिसे जानने से सब कुछ जाना जाता है? ये आत्म तत्व के बारे में है। जो आपने जान लिया तो समझ लो आपको ज्ञान हो गया, आपको कुछ और जानने की जरूरत नहीं। अच्छा, प्रश्न ये है, मगर उसको जाने कैसे? ये जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये प्राप्त करने के लिए अधिकार, ये ज्ञान प्राप्ति का अधिकार होना चाहिए, हमें अधिकारी बनने पड़ेंगे। अधिकारी कैसे बनाया जाता है? तो कहता है कि सत्वात् संजायते ज्ञानम्, जिसका चित्त सत्वगुणी होता है
उसी में, जैसे कहते हैं सिंह के पास सिंहण का दूध, शेरनी का दूध जो है ना वो सोने के पात्र में ही रहता है, ऐसा बोला गया है। मैंने कभी देखा नहीं है मगर ऐसा बोला जाता है कि पात्र होता है तो उसी में ही टिकता है। अगर आपको कोयला चाहिए, देवता जला हुआ कोयला, और आप न्यूज़पेपर लेके किसी के घर जाओ, अगर मुझे कोयला चाहिए, ठंड लग रही है, अब आग दे दो, अगर वो आग देगा तो क्या होगा, घर तक पहुंच पाएंगे? आग तो मिल जाएगी, ठीक है या नहीं? जला देगा, पेपर पर जला देगा, हाथ को भी जला देगा, और प्राप्त कुछ नहीं हुआ। तो ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप भी न्यूज़पेपर जैसा ना रहो, ये ज्ञान आग जैसा है, तो आपको भी ऐसे पात्र अधिकारी बनना पड़ेगा। तो कैसे बना जाएगा? तो सत्वगुणी चित्त प्राप्त करने पड़े। तो सत्वगुणी चित्त प्राप्त, सत्वगुणी चित्त किसको कहते हैं? तो हमारे पास ऐसी सात्विक क्वालिटी होनी चाहिए, और छह प्रकार की क्वालिटी की बात 18वें अध्याय में बताइए। सात्विक किसे कहते हैं, राजसिक किसे कहते हैं, तामसिक किसे कहते हैं? हमें सात्विक क्वालिटी प्राप्त करनी है, संक्षेप में बताना है, इसलिए मैं छह जो साधन है उसका संक्षेप में मैं अभी विचार करके आपको बताती हूँ। पहला बताया गया ज्ञान, सात्विक ज्ञान होना चाहिए हमारे पास। सात्विक ज्ञान किसे कहते हैं? तो कहते हैं सर्वभूतेषु येन एकं भावं अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। भिन्न भिन्न सभी भूतों में, सभी प्राणियों में एक ही अविनाशी अखंड परमात्मा समान रूप से विराजित है, ऐसे देखने वाला, ऐसा समझने वाला जो ज्ञान है उसे ही सात्विक ज्ञान कहा गया है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, संक्षेप में बताया, सरलता से बताया, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का दृष्टांत देकर बताया। दृष्टांत की मर्यादा होती है, मगर ये दृष्टांत आपको विषय को सरल बनाने के लिए दिया जाता है। तो जैसे सभी गैजेट में एक इलेक्ट्रिसिटी होती है, वैसे ही सभी प्राणियों में एक ही चैतन्य होता है, तो समान रूप से एक ही चैतन्य रहता है, ऐसा जो जानता है, जानता है मतलब देखता है, देखता है मतलब अपनी बुद्धि से जानता है, अपनी बुद्धि से देखता है, वैसा ज्ञान वाला जो है वो सात्विक ज्ञान है। वो अखंड अविनाशी परमात्मा मैं हूँ और सभी में वही है, ऐसा देखने की दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए। नंबर दो, कर्म। हमें कौन सा कर्म करना चाहिए अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, सत्वगुणी होने के लिए? भगवान कहते हैं नियतम संगरहितम अराग द्वेष तत्कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। नियतम, नित्य कर्म करना चाहिए। नित्य कर्म किसे कहते हैं? जो नित्य हमेशा वेद विहित कर्म होते हैं, नित्य होते हैं, हमेशा करना चाहिए, ऐसे कर्म को नित्य कर्म कहते हैं। ज्यादा बात अभी नहीं करूंगी मगर आप पढ़ लेना। नित्य कर्म मतलब सुबह उठ के पूजा पाठ करना, स्नान आदि करना, शौच आदि करना, सूर्य को अर्घ देना, संध्या वंदन करना, ये सब हमारे नित्य कर्म है। हमारी परंपरा में, धर्म में भी ये बातें बताई गई है, मगर हम अज्ञान है इसीलिए हमको पता नहीं है, ठीक है? अगर आप लोग ज्ञानी हो जाएंगे 18 अध्याय पढ़ के तो आपको पता चल जाएगा। संग रहितम, बिना विदाउट अटैचमेंट कर्म करो, फलाशक्ति रहित होकर कर्म करो, राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करो, ऐसे कर्म को सात्विक कर्म कहते हैं। तीसरा है कर्ता, डूअर, मैं। कैसा होना चाहिए? मुक्त संगह, असंग होना चाहिए, अनहंवादी, मैंने किया ऐसा अहंकार कभी नहीं होना चाहिए, द्रुति उत्साह समन्वित, और उत्साह से करो। अभी आप लोग सुन रहे हैं मगर मुझे उत्साह ही नहीं दिखता है, हाँ डल ऐसे। कितने साल के हैं आप लोग? हाँ 80 साल के हो गए क्या? तो जरा ऐसे बैठो। इंग्लिश लैंग्वेज, नो नो, देयर इज नो प्रॉब्लम, वी आर नॉट ब्रिटिशर्स। 18 इयर्स ओल्ड, ओल्ड सब दाविजा इज इन माय प्रॉब्लम। अच्छा ओल्ड, ओके। क्या प्रॉब्लम है आप लोग को? हम जो बचपन में जब होते थे ना, तो स्कूल में ना दूध देते थे, जब पाउडर का दूध नया नया बनता था, और दूध अभी कई गांव में भी ऐसा है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। क्या आप लोग को लगता है कि ये कॉलेज में ऐसा होना चाहिए, ताकि आप लोग जरा जागृत होकर बैठो? ठीक है, कोई बात नहीं, आपके माँ बाप को बोलना जरा फीस बढ़ा देते के लोग, हाँ फीस भी बढ़ा देंगे और खाना भी मिल जाएगा आपको।
देखो अभी कितनी जान आ गई सब में, जब बातें करने की बात आई तो कितनी जान आ गई। अभी मैं बताती हूँ आप लोगों के बारे में, आगे बढ़ते हैं। सिद्ध सिद्ध निर्विकार, सफलता हो असफलता हो उसमें निर्विकार रहना है, ना तो हमें डाउन होना है, मूडलेस रहना है, ना तो हमें इलेशन में आकर जोश में आकर कूदना है, हमारी समता बनी रहनी चाहिए। ऐसा जो है वो करता सात्विक करता है। कैसा होता है अनहमवादी, मतलब कैसे, तो हनुमान जी को देखा, हनुमान जी ये सारी क्वालिटी हनुमान जी में है। हनुमान जी समुद्र को पार करके गए, वापस आए तो राम ने उसको थपथपाया, वाह शाबाश आपने तो समुद्र पार करके आ गए। हनुमान जी बोलते हैं मुझे शर्मिंदा क्यों करते हैं भगवान, वो तो आपने ही करवाया, मैंने कहाँ किया है। तो आपने, मैंने कहाँ करवाया, भगवान राम पूछ रहे मैंने कहाँ करवाया, तो कहते प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही जल्दी लांगी गए अचरज नाही। आपके नाम की जो अंगूठी थी ना वो मेरे मुख में थी, अर्थात मेरे मुख में राम नाम था, तब मैं जाके कूद के गया। ईश्वर का सेवक बन के करो, परमेश्वर की सेवा में आप हो ऐसा याद रखो, ना तो आप आपके माँ बाप की सेवा में है, ना कॉलेज वाले की सेवा में है, आप इतना याद रखो कि आपको ईश्वर को उत्तर देना पड़ेगा, आप जो कर्म करेंगे उसी प्रकार का फल प्राप्त होगा ही। बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर एक्शन, अगर ऐसा रहेंगे ना तो उत्साह ध्रुति ये सब आ जाएगा। अनहमवादी, हमने जीवन में ये हम सीखना है, ईश्वर हमारे पास करवा रहा है, हम करने वाले नहीं है, ईश्वर हमारे पास करवा रहा है। आगे कहते हैं बुद्धि, बुद्धि कैसी होनी चाहिए, तो विवेकी बुद्धि होनी चाहिए। प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्य भयाभय बंध मोक्षम जया व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। सात्विक बुद्धि किसे कहते हैं, तो कहते हैं विवेकी बुद्धि सात्विकी। प्रवृत्ति को से कहते हैं निवृत्ति किसे कहते हैं, प्रवृत्ति किस लिए होनी चाहिए, निवृत्ति किस लिए होनी चाहिए, कार्य करना जाए करने जैसा कार्य कौन सा है, नहीं करने जैसा कौन सा है, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। दोनों का विवेक तो होना चाहिए, अच्छा क्या है बुरा क्या है विवेक होना चाहिए, भय जन्य क्या है अभय का कौन प्रदान करेगा वो भी हमें प्राप्त होना चाहिए। बंध किसे, बंधन किसे कहते हैं, मुक्ति किसे कहते हैं। आप लोग तो स्वच्छंदी हो रहे हैं, स्वतंत्र नहीं हो रहे, स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ो, गुलामी की ओर नहीं जाना है, मगर स्वच्छंदी मग लेंगे ना तो समझ लेना कि उसके अलावा और कुछ नहीं प्राप्त करेंगे जीवन में, सोच लेना। और भय कहाँ पर है, संग्रह में भय है और त्याग में अभय है। अगर कुछ पकड़ के रखोगे ना तो भय बना रहेगा, सब देते जाएंगे ना आपके पास आता भी जाएगा, अनुभव करके देखना, और जितना देते जाएंगे ना अभय बनते जाएंगे। एक कौवा मांस का टुकड़ा लेकर उड़ रहा था तो पीछे पीछे गीद वगैरह अनेक पक्षी उनके पीछे पीछे लगे, क्यों, वो मांस का टुकड़ा छीनने के लिए। जब तुम्हारे पास कुछ होगा तो कुछ छीनने के लिए लोग आ जाएंगे, फिर बहुत उनको बहुत चांच मारा बहुत हैरान हो गए, फिर अक्कल आई उनको, उन्होंने वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया। जैसे ही मांस का टुकड़ा छोड़ा सभी पंखी ने उसका पीछा भी छोड़ दिया और वो मुक्त हो गए। त्याग में अभयता है, ग्रहण में संग्रह में उभय है, वो समझना। और जीवन में इस प्रकार की जो बातें हैं वो आत्मसात करने का प्रयत्न करने से अपना जीवन जो है सत्वगुणी बन जाएगा। ध्रुति, ध्रुति किसको कहते हैं, धैर्य। अव्यभिचारी धैर्य के साथ हमारे मन प्राण इंद्रिय की क्रिया को परमात्मा की प्राप्ति में लगा देना। हमारा जो ध्येय होता है ना, अगर वो ध्येय के बारे में जब हम ध्येय के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो कैसी भी विटमना हो, कैसे भी विघ्न हो, कभी ध्येय से विचलित नहीं होना, मार्ग से विचलित नहीं होना। डगलू भरू के ना हटू ना, अगर आपने एक कदम आगे रखा कभी पीछे नहीं हटना है, उसे कहते हैं ध्रुति। आगे कहते हैं सुखम, सुख किसे कहते हैं, तो कहा है भगवान ने यत् तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम विद्धि। जो आरंभ में विष जैसा लगता है, जैसा अभी आपको लग रहा है ना, तकलीफ लग रही है ना सुनने में, यत् तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम, अर्थात उनका जो परिणाम आएगा
वो बहुत मीठा फल मिलेगा। ऐसा होता है ना आध्यात्मिक साधना में, जो सात्विक सुख किसे कहते हैं, तो हमें अभी जो सुख मिलता है वो सुख, हम तो विषय सुख की बात करते हैं और विषय सुख के अलावा कोई सुख की हमको बात ही पता नहीं। खाऊ गली में जाते हैं, कब जाते हैं, हाँ 10 बजे के बाद, है ना। ज्यादातर तो लोग होटल में जाते हैं ना, नाइट आउट करते हैं, आजकल के बच्चे नाइट आउट करते हैं। मैं बताऊं रात को कौन जागते हैं, गाय जागती है, केशनी उल्लू जागते हैं, उल्लू है नंबर एक, उल्लू माने मूर्ख। अब उल्लू का तो अर्थ पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। दूसरी बात बताते, जो शेर है, जो लायन है, टाइगर है, ये सब कब उनका वो शिकार की खोज में कब जाते हैं, दिन में के रात में, रात में, इसीलिए उसको निशाचर बोलते हैं। राक्षस का उपद्रव कब होता है, रात में। तो रात में घूमने वाले को निशाचर कहते हैं, वो हिंसक होते हैं, वो राक्षसी वृत्ति वाले होते हैं। तो रात में राक्षसी वृत्ति का प्रभाव ज्यादा होता है, इसीलिए रात को भय ज्यादा होता है। यहां से नीचे जाने में अकेले नहीं जा पाएंगे आप, रात को डर लगेगा, मगर दिन में कभी भी चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, डर नहीं लगेगा। तो दिन में कौन प्रवृत्त होते हैं, गाय बैल, ये जो सात्विक प्राणी है वो दिन में होते हैं। दैवी वृत्तियां दिन में होती हैं, रात में नहीं होती है। और हम लोग नाइट आउट करते हैं, हम कहां जा रहे हैं, हम राक्षसी प्रवृत्ति की ओर जा रहे हैं। और राक्षस क्या खाते हैं, मांस वगैरह। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, धीरे धीरे वहीं जा रहे हैं। क्या मिलेगा आपको, स्वास्थ्य मिलेगा, सुख मिलेगा, मिलेगा क्या, अब खोएंगे बहुत कुछ, खो देंगे, मिलेगा कुछ नहीं। याद रखना, जीवन की शांति तो चली जाएगी, सुख भी चले जाएगा, ये आपको जो करना है करो। भगवान भी 18वें अध्याय में कहने वाले हैं आगे, यज्ञसी तथा गुरु, भगवान भी रोकेंगे नहीं आपको, कोई रोकने वाले नहीं। माँ बाप तो क्या है, भगवान भी नहीं रोकते तो हम तो कहाँ ठहरे। मत सुनो किसी का, मगर याद रखना दुखी होने के लिए तैयार हो जाना है। दिन में मन प्रसन्न होता है, भयमुक्त मन होता है, दैवी वृत्ति का प्रभुत्व होता है और कार्य जल्दी संपन्न होता है। रात को अगर 2 घंटे पढ़ेंगे जो याद नहीं रहेगा, दिन में आधे घंटे में वो याद रह जाएगा। आप एक बार करो प्रवृत्ति, फिर पता चलेगा। और रात को निशाचर की प्रवृत्ति होती है, डर होता है, ऑल नेगेटिव एलिमेंट्स दे रोम अराउंड यू, ऑल नेगेटिव एलिमेंट्स एट नाइट। तो आपको कहाँ जाना है आप सोच लेना, किसी का देखा हुआ करेंगे, नाइट आउट करो, खाओ गली में जाओ, राक्षसी वृत्ति को बढ़ावा दो, अपने आप को खड्डे में डालो। भगवान तो कहेंगे लो खड्डा, ये रहा मैं टॉर्च देता हूँ, खुद गिरो अंदर, गिरो मजा करो, उसी में मजा आती है। तो वो मजा लो, राक्षस बन के मजा लो। देवो भी मजा करते हैं, राक्षस भी मजा करते हैं। आप अपनी वृत्ति को बनाओ, फिर याद रखना हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए हम तुले हुए हैं। तो सात्विक मन किसको कहते हैं, जो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त करते हैं, वो सात्विक मन राग द्वेष से निवृत्ति कर देता है। और सकाम मन को निष्काम बनाने के लिए सात्विक मन आवश्यक है। तो सात्विक मन से निष्काम कर्म की प्रवृत्ति करनी चाहिए। तो ये सात्विक अंतकर्म बनाने की बात कहाँ कही गई है, क्यों, मोक्ष प्राप्ति के लिए, उत्थान के मार्ग में जाने के लिए, श्रेय प्राप्ति के लिए। अब सात्विक मन तो बना लिया, अब क्या करना चाहिए, तो सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर जाना चाहिए। तो कर्मयोग के सार की बात ब्रेक के बाद करेंगे। मैंने थोड़ा लंबा ले लिया है ब्रेक देने के पहले, क्योंकि मुझे थोड़ी ये बात आपको बतानी थी। ओम सहना भवतु, सहना भुनक्तु, सह वीर्यंकर वावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ओम। अपने मन को सात्विक बनाना चाहिए। सात्विक मतलब क्या है, जैसे हम दाल को अगर नमकीन बनाने तो नमक डालते हैं ना, उनको तीखी बनाने तो मिर्ची डालेंगे। तो मन को सात्विक बनाने के लिए क्या करना चाहिए, मन कोई ऐसी चीज नहीं है,
ये जिसमें कुछ डाल के बनाया जाता है, मगर मन माने कंटिन्यूस फ्लो ऑफ थॉट्स, विचार का प्रवाह जो है उसे मन कहते हैं। तो विचार जो हर कोई व्यक्ति करती है, हर कोई व्यक्ति की सोच होती है, अपनी अपनी सोच होती है, तो जो व्यक्ति विचार सात्विक करेंगे उसको सात्विक मन कहेंगे, विचार राजसिक होगा तो राजसिक मन हो जाएगा, और विचार तामसिक होगा तो तामसिक मन होगा। सात्विक मन के लिए सात्विक आहार की भी आवश्यकता होती है, सात्विक विहार की भी आवश्यकता होती है। जैसे मैंने बताया कि निशाचर है वो राजसिक है, तामसिक है, वो हिंसा से अपना पेट भर रहा है, और गाय बैल ये सब हिंसा से अपना पेट नहीं भरता है, वो तो घास खाता है ना। तो ये सब जो बातें हैं वो हमारी पर्सनालिटी में हमें इम्बाइब करनी है, समझना है, सोचना है हमें कैसा बनना चाहिए। तो आपकी सात्विक पर्सनालिटी बनाने के लिए सात्विक कर्म होना चाहिए, सात्विक ज्ञान होने चाहिए, सात्विक सोच होनी चाहिए। अब सत्वगुणी अंतकरण बना लिया, अब हमें कहाँ आगे जाना है, मनुष्य की यात्रा कहाँ है, हम कहाँ जाने निकले हैं, हम तो जो लास्ट गोल है मनुष्य जीवन का उसे प्राप्त करना है, और लास्ट जो अंतिम ध्येय है वो मोक्ष है। अगर उसे प्राप्त करना है तो सत्वमन तो हो गया, उसके बाद हमें अधिकारी बनने के लिए चित्त को शुद्ध बनाना है, सात्विक मन को शुद्ध मन बनाना है। तो मन की अशुद्धि क्या है, तो राग और द्वेष ये दोनों मन की अशुद्धि है। षड रिपु जिसे कहते हैं, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या, ये सब जो है अशुद्धि है। ये अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो मुख्य अशुद्धि है वो राग और द्वेष, उससे ही बाकी की अशुद्धि आती है। तो राग माने अटैचमेंट, राग और प्रेम में तो बहुत अंतर है, हमने पहले दिन देख लिया था। राग माने अटैचमेंट और द्वेष माने नफरत, तो नफरत भी नहीं होनी चाहिए और आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। मगर हम कैसे करेंगे, वस्त्र को धोने के लिए तो सरल है, पानी है, साबुन है, मगर मन को शुद्ध करने के लिए क्या कहा गया है? तो हमारे शास्त्र में मन की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म योग की बात कही गई है। तो भगवद गीता में जहाँ जहाँ निष्काम कर्म की बात कही उसका सार अब हमें देखना है, और 18वें अध्याय में श्लोक 41-49 41 से 49 तक ये जो श्लोक है वो चित्त शुद्धि के उपाय के रूप में कर्मयोग का सार बताया गया है। कर्मयोग के मुख्य दो पहलू हैं, दो ही बात को याद रखो, क्या है, एक तो है एक्शन और दूसरा है एटीट्यूड। एक है कर्म, दूसरा है मनोवलन। कर्मयोग कोई स्पेसिफिक कर्म नहीं है, मगर जो भी कर्म करो उसके पीछे का जो एटीट्यूड है वो बदलने से वो कर्मयोग बन जाते हैं। मगर याद रखना कोई भी कर्म माने जो विहित कर्म कहा गया है, इसीलिए उसको मैं कहूंगी कि योग्य कर्म योग्य मनोवलन से अगर किया जाएगा तो आपका कर्म कर्मयोग बन जाएगा। कर्मयोग जीवन पद्धति है, कर्मयोग तो जीने की बात है, कर्मयोग कोई अलग प्रकार का कोई स्पेसिफिक कर्म कोई एक टाइम पर एक जगह पर करने की बात नहीं। तो क्या है योग्य कर्म, किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि जहां पर हमारा कर्म उत्तम कर्म हो, तो उत्तम कर्म किसे कहते हैं, योग्य कर्म माने उत्तम कर्म, उत्तम कर्म किसे कहते हैं? तो गीता की परिभाषा में स्वभावजम कर्म उत्तम कर्म है। स्वभावजम कर्म किसे कहते हैं? रुचि अनुसार सामाजिक विकास में सहयोगी होना, ये उत्तम कर्म है। अपनी रुचि के अनुसार करो, जो भी करो अपनी रुचि के अनुसार करो, मगर कर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें हम तो लाभान्वित हो और हमारे साथ साथ हमारे अगल बगल वाले जो समाज में रहते हैं वो भी हमारी क्रिया से प्रवृत्ति से लाभान्वित हो। इस प्रकार के कर्म को उत्तम कर्म कहा गया है।
शॉर्ट इन शॉर्ट कहेंगे तो जो कर्म करने से हमें खुशी होती है, आनंद होता है, द विचेवर वर्क विचेवर एक्शन यू लव टू डू दैट इज कॉल्ड उत्तम कर्म। अच्छा, उसको स्वभावजम कर्म भी कहते हैं। स्वभावजम कर्म क्या है? वो हमारे स्वभाव में होता है। जैसे कि पढ़ाना मेरे स्वभाव में है, आई लव टू टीच, आई एंजॉय टू टीच, तो ये मेरा स्वभाव है। ऐसे कई लोगों का अपना अपना स्वभाव होता है और स्वभाव के अनुसार, स्वभाव मतलब क्वालिटी, जो क्वालिटी मेरे अंदर है उसे स्वभाव कहा है, और क्वालिटी के अनुसार, क्वालिटी को गुजराती में, संस्कृत में, हिंदी में गुण कहा है। तो हमारी क्वालिटी है, हमारे गुण है, हमारी अभिरुचि है, उसके आधार पर, स्वभाव के आधार पर चार प्रकार में लोगों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जरा ध्यान से समझना, क्योंकि अगर इंटरप्रिटेशन प्रॉपर नहीं होगा तो कन्फ्यूजन बहुत बढ़ेगा। और आप लोग तो पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ना है, एग्जाम भी देनी है, लोगों को भी जवाब देना है, लोगों की अपेक्षा रहेगी आपके पास से, तो जरा समझ लेना। तो हमारे वहाँ कर्म किसको कहते हैं? योग्य कर्म, उत्तम कर्म किसे कहेंगे? तो रुचि अनुसार, स्वभाव अनुसार। तो मेरा स्वभाव क्या है? तो चार प्रकार का स्वभाव होता है, चार प्रकार के गुण वाले व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति होती है जिसको पठन पाठन में रुचि है, जिसको रिसर्च करने में रुचि होती है, नई नई बात ढूंढने में रुचि होती है। पूरी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो रिसर्च माइंडेड होते हैं, टीचिंग में दिलचस्पी रखने वाले होते हैं, पढ़ने में, पढ़ने और पढ़ाने, दो ना, बिना पढ़े तो पढ़ाया नहीं जाता है, तो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उसी में रुचि होती है, उनको आनंद होते हैं। जैसे हमारे प्रोफेसर से, टीचर से, रिसर्च स्कॉलर से, साइंटिस्ट है, हर जगह पर ऐसे। दूसरे एक प्रकार के लोग हैं, उसको नेतृत्व करने का मन होता है, टू लीड द सोसाइटी। अमर आपने भी इस कोई, चलो हम लोग कहीं जाते हैं पिकनिक में, तो कोई एक खड़ा हो जाएगा, चलो नाम लिखो, तो नाम लिखने के लिए कोई एक खड़ा हो जाएगा ना, और बाकी लोग नाम लिखवाते हैं, और फिर हम लोग ट्रिप करेंगे, तो जो जो लिख कर जो अरेंज करते हैं उसको क्या कहते हैं? आपका टीम लीडर, टीम लीडर कहते हैं ना। तो वो क्या करता है? पूरी टीम को लीड करता है, लीड करने वाले को लीडर कहते हैं। तो उनकी ये क्वालिटी होती है, सब में नहीं होती, सबको नहीं होता है, सब कहते आप करो ना, मैं तो आपको साथ देने वाला हूँ, ऐसा होता है ना कि भाई मैं लीड नहीं ले सकता। तो जो लीड लेने की जिसकी क्वालिटी होती है उसको लीडर बोला जाता है, वो दूसरी प्रकार की क्वालिटी, लीडर्स जिसके बोलेंगे। और लीडर तो हर जगह पर होता है, हर कोई सोसाइटी में सेक्रेटरी होते हैं, प्रमुख होते हैं ना, अपनी अपनी सोसाइटी में, अपने अपने फ्लैट में होते हैं कि नहीं होते? हाँ, तो हर कोई नहीं बनते, प्रमुख कोई बनते हैं, लीडर कोई बनते हैं, अपने धारा सभ्य होते हैं, एप्पल एमएलए होते हैं, हमारे नेता होते हैं, वो दूसरी क्वालिटी अलग होती है, वो उनकी रुचि ऐसी है, उसका स्वभाव ऐसा है। और उनका कर्म क्या होता है? सामाजिक सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, लोगों की जो जरूरियात है उसके ऊपर ध्यान देना, उसकी आवाज़ को शासन के ले जाना, और शासक के पास से उनकी जो जरूरियात है उसके मुताबिक कायदा कानून वगैरह की व्यवस्था करना है ना। तो समाज की सुरक्षा के लिए वो लीडर्स लोग काम करते हैं, और दूसरी क्वालिटी है। तीसरे प्रकार की क्वालिटी जो लोग में होती है वो होती बिजनेसमैन, बिजनेस करने वाले होते हैं, व्यापार करने वाले होते हैं, उनको बिजनेस में रुचि होती है, उनको पठन पाठन में नहीं होती, उनको लीडर बनने में नहीं होती, वो तो बिजनेस करेंगे, पैसा गिनेंगे और पैसा जमा करेंगे, पैसा रखेंगे, कई लोग कितने लोन वाले होते हैं, कितने गिरवी रखने वाले, कितनी भी कंपनियाँ होती, फाइनेंस कंपनीज होती है, ये सब जो व्यापार के जो काम करने वाले हैं वो तीसरे प्रकार के लोग होते हैं। और चौथे प्रकार के लोग हैं, ना तो उनको व्यापार करने में रुचि होती है क्योंकि वो तो रिस्क वाला है, व्यापार में रिस्क होता है, लीडर नहीं बनना है क्योंकि उसमें तो बहुत झंझट है। हम लोग तो पानी पूरी जाके चौपाटी पर खा सकते हैं, मगर लीडर आके खा सकता है? बड़ा प्रधान को आना है, चौपाटी पर खाना हो तो नहीं खा पाएंगे ना। लीडर्स लोगों को जरा तकलीफ हो जाती है, उनको तो सिक्योरिटी चाहिए, हर प्रकार की सुविधा उनके लिए होनी चाहिए। तो ये जो चौथे प्रकार के लोग हैं, ना तो उनको लीडर बनने में रुचि है, ना तो उनको व्यापार में जिम्मेवारी लेने की जरूरत है, उनको इच्छा नहीं होती है, ना तो उनको पठन पाठन में रुचि होती है, तो क्या करते हैं? वो कहते हैं आप लोग जो कहो मैं करूँगा।
करूंगा, मगर ना तो मुझे टीचिंग करना है, ना तो मैं रिसर्च स्कॉलर बनना चाहता हूँ, ना तो मुझे कोई लीड करना है, ना तो मुझे कोई व्यापार में जाना है, मुझे तो आप जो बताओ मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो हेल्पिंग हैंड्स जिसको कहते हैं वो चौथे प्रकार के लोग होते हैं, समझ गए? पहले बताते हैं, पहला प्रकार कौन है? वो पठन पाठन वाले, टीचिंग में, और नहीं पहली में, और रिसर्च माइंडेड होते हैं, शोध करने वाले, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, नासा में जाने वाले, चंद्रयान गया ऊपर, वो करते हैं ना, वो क्या करते हैं, सोच करते हैं कि हाँ वहाँ क्या है। अभी हमने सूर्य के वहाँ पर सूर्यान भेजा है, तो हम वो रिसर्च माइंडेड लोग होते हैं। तो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, टीचिंग करते हैं, पठन पाठन करते हैं, वो दूसरा है लीडर्स, लीडिंग करने वाली क्वालिटी, तीसरी है बिजनेस करने वाले, बिजनेस माइंडेड, और चौथा हेल्पिंग है। ये चार क्वालिटी वाले लोग आपको पूरी दुनिया में मिलेगा, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में है ऐसे लोग, है कि नहीं है? नासा में बैठे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, मैडम क्यूरी रिसर्च स्कॉलर, नोबेल प्राइज विनर रिसर्च स्कॉलर, हमारे अमर्त्य सेन वगैरह वो भी रिसर्च स्कॉलर, अपने अपने फील्ड में रिसर्च करने वाले होते हैं। तो रिसर्च स्कॉलर से होते हैं, इसी को हमारी शास्त्र की परिभाषा में ब्राह्मण कहा गया है। दिस क्वालिटी है, उस क्वालिटी वाले को ब्राह्मण कहा गया है, जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और जो ज्ञान का प्रचार करते हैं और रिसर्च माइंडेड है, उसे ब्राह्मण कहा गया है। दूसरी क्वालिटी कौन सी है? लीडिंग, लीड करने वाले, उसको बोलते नेता लोग जो कहते हैं, उसको शास्त्र की परिभाषा में क्षत्रिय बोला गया है। तो उनके गुण के अनुसार है, बट नॉट बाय बर्थ, बट बाय द क्वालिटी, यू कैन डिस्टिंग्विश देम बाय देयर क्वालिटी। तो दूसरा जो है उसको लीडर्स को हम कहेंगे क्षत्रिय, रिसर्च माइंडेड वाले को और पठन पाठन में रुचि रखने वाले को ब्राह्मण कहेंगे, और बिजनेस पैसा कमाने का, पैसा पैसा पैसा, आजकल तो सबको पैसा ही, सब लोग ज्यादातर बिजनेसमैन ही है आजकल, है ना, सबको पैसा ही चाहिए। तो तीसरी जो क्वालिटी है वो वैश्य कही गई है, बिजनेसमैन है उसको शास्त्र की परिभाषा में वैश्य बोला गया है। और जो हेल्पिंग हैंड है, हेल्प करने वाले, देखो हमारी एक फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री डालने वाले अलग होंगे, मगर फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स कितने, बहुत चाहिए, है ना, हर जगह पर चाहिए। हमारे अगर ये इंस्टीट्यूट है तो इसमें भी हमें हेल्पिंग हैंड बहुत चाहिए, क्लार्क बहुत चाहिए, ऑफिसर्स क्लार्क जो हेल्पिंग हैंड करने वाले हैं उसको कहते हैं शूद्र। नीचे उसमें ऊपर नीचे का कोई संबंध नहीं है, ये तो हमारी क्वालिटी के अनुसार है। अरे ये चार प्रकार के लोग तो घर में भी पाया जाता है, अपने कुटुंब में भी ये चार प्रकार लोगों में हो गए कि नहीं हो गए? जिसको ना पढ़ने में रुचि है, ना कुछ करने में रुचि है, तो चल तुम्हें कहूँ इतना तो कर, तो चल भाई वो करते हैं, है ना। ऐसे लोग होते ही हैं, हर जगह पर होते हैं, हर इंस्टीट्यूट में पाए जाएंगे, फैमिली में पाए जाएंगे, कंट्री में पाए जाएंगे, उसका कोई कंट्री फैमिली कास्ट क्रीड उससे कोई संबंध नहीं है, मगर उनको चार भाग में वर्गीकृत भगवान ने किया। और चौथे अध्याय में आपको बताया गया था, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम् अपि माम् विद्या कर्तारम् अव्यय। भगवान ने कहा कि ये चार प्रकार की क्वालिटी के अनुसार मैंने मनुष्य को चार भाग में वर्गीकृत किया है, स्पष्ट है? हाँ, तो ये बात उनको कहेंगे स्वभाव। अगर मेरे बिजनेस में रुचि है तो मैं वैश्य हूं, अगर मेरी पठन पाठन में रुचि है तो मैं ब्राह्मण हूं, अगर मेरी लीड करने की झंडा पकड़ के आगे चलने की रुचि है तो मैं लीडर हूँ, मैं उसमें से कुछ नहीं करेंगे, आप जो कहे वो जो करते हैं उसमें धीरे 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 सहयोग करूंगी तो मैं शूद्र हूँ, होता है? अच्छा, तो इस प्रकार के कर्म को जो स्वभाव के अनुसार जो कर्म करेंगे तो ही हमें जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, तो ही आई लव टू डू ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। कर्म करने में रुचि होगी, प्रेम होगा, संतोष होगा। अगर कोई कुकिंग में रस है, बहुत इंटरेस्ट है कुकिंग में, उसको फुटबॉल खेलने भेज दो तो क्या होगा? नहीं मजा आएगा, वो थक जाएंगे, मगर फुटबॉल में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। कुकिंग में रुचि है तो कुकिंग में जाएंगे, फुटबॉल में रुचि है वो रोटी नहीं पकड़ सकता,
वो रोटी नहीं पका पाएगा। तो सब हर कोई की अपनी अपनी रुचि होती है, तो रुचि अनुसार कर्म करना उसको स्वभावजम कर्म कहते हैं, वही उत्तम कर्म है। और वो कर्म कैसा होना चाहिए? धर्म अनुसार होना चाहिए। धर्म अनुसार कर्म किसको कहते हैं? कि जिसमें हमें तो लाभ है औरों को भी लाभ होना चाहिए। पूरे संसार की सृष्टि की संवादिता खंडित नहीं होनी चाहिए। देयर मस्ट बी हार्मनी इन बिटवीन ऑल द बीइंग्स। हार्मनी जो है वो टिकी रहनी चाहिए। और वैसा कर्म कैसा होता है? उत्तम कर्म, मोर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लेस कंजप्शन। कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा ज्यादा होना चाहिए और हमें उसमें से लाभ कम होने की वृत्ति होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं उत्तम कर्म। और उस कर्म करने वाले के पीछे कौन सा एटीट्यूड होना चाहिए, मनोवरण कैसा होना चाहिए? तो मनोकर्म योग जिसे किसे कहते हैं, तो न मैंने बोला था दो पहलू है, एक तो कर्म मतलब कि एक्शन और दूसरा एटीट्यूड, करेक्ट। और एक्शन जो है ये योग्य होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, स्वभाव अनुसार होना चाहिए, हमारे वर्णाश्रम के अनुसार होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, मोर कॉन्ट्रीब्यूशन लेस कंजम्पशन ऐसी भावना के साथ होना चाहिए, ये उत्तम कर्म। कर्म करने में हमें आनंद होना चाहिए, कर्म के फल में आनंद नहीं, कर्म करते समय ही आनंद होना चाहिए। तो ऐसे कर्म करते समय आनंद दिलाता है। अब किसी कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, मनोवलन कैसा होना चाहिए, ये बात बता, क्योंकि मनोवलन ही कर्म को कर्मयोग बनाता है। द एटीट्यूड बिहाइंड द एक्शन क्या होना चाहिए? भगवान कह रहे हैं एक इससे पहले एक महत्व की बात कहते हैं, श्रेयां स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठिता स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति केलिशम। ये आपके 47 श्लोक में बताया गया है। भगवान कहते हैं कि आपका जो धर्म है, रुचि है, आपकी जो अभिरुचि है, उसी के अनुसार कर्म करो। बिजनेसमैन बहुत पैसा कमाता है, मगर आप में वो बिजनेसमैन की वो आपके खून में नहीं, आपके स्वभाव में नहीं है, तो आप निष्फल होंगे। पठन पाठन वो अगर मैं अगर टीचिंग में लाइन में हूँ तो मुझे पैसे की ओर नहीं देखना चाहिए, मुझे पठन पाठन में रुचि होनी चाहिए, है ना? आजकल उल्टा हो गया है, इसीलिए ये इंडस्ट्री बन गई है, बिजनेस बन गई, इंडस्ट्री एजुकेशन इंडस्ट्री बन गई, गुरुकुल नहीं रहा है, क्योंकि उसमें पैसा कैसे मिलेगा ये वृत्ति आ गई है। तो ये वृत्ति नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी वृत्ति आ गई तो समाज में नुकसान हो रहा है, अभी हो ही रहा है, पतन हो ही रहा है, हमारे हमारे जो क्वालिटीज है, सामाजिक वैल्यूज जो है उसमें डिग्रेडेशन हो ही रहा है। तो ये इसके पीछे यही कारण है, अगर हम पैसे की वैल्यू करेंगे तो पठन पाठन में रुचि कौन रखेगा? तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात ये है कि अगर धन कम भी मिले तो भी अपना जो धर्म है उसी के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। दूसरे का कर्म में बहुत पैसा लाभ दिखता हो तो भी नहीं करना चाहिए, ये इंटरप्रिटेशन है। श्रेयांस अधर्मो विगुण पर धर्म स्वनुष्ठिता, हमें अपने धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए, वो उत्तम कर्म है। और मनोबलन ऐसा होना चाहिए कि देखो 100 रुपये की नोट है, तो नोट जो होती है वो क्या सोने की होती है, चांदी की होती है? हाँ, कागज की होती है। तो कागज का एक इतना टुकड़ा कितना कीमती होगा? मेरे पास तो इतना बड़ा पड़ा है, मुझे तो कोई रुपया नहीं देता, वो इतनी छोटी, वो इतना छोटा टुकड़ा कागज का, इनकी कीमत 100 रुपये कैसे हो गई? क्योंकि इसके ऊपर गवर्नर की सिग्नेचर होती है, 100 रुपया के ऊपर गवर्नर की सिग्नेचर होती है ना, तो सिग्नेचर उनको मूल्यवान बनाता है, कागज के टुकड़ों को सिग्नेचर ही मूल्यवान बनाता है। बस वैसे ही हमारे कर्म को हमारा एटीट्यूड योग बनाता है। कर्म के पीछे हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? तो एटीट्यूड ये होना चाहिए कि कर्म करने वाला तो मैं हूं नहीं, नाम करो मैं ईश्वर माम कारयति, मेरे द्वारा ईश्वर कार्य करता है, मैं कर्म करने वाला नहीं हूं। क्या कहा गया यहां पर
यत्र प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्चम सिंधिं विन्दति मानवः, कि हमें जो जगत की जो उत्पत्ति है, ये उत्पत्ति जिससे हुई है और जो जगत में व्यापक है, उस ईश्वर की पूजा अपने कर्म के द्वारा करनी चाहिए और कर्म के द्वारा ईश्वर की पूजा करने से सिद्धि विन्दति मानवः, तो मनुष्य जो है वो सिद्धि को प्राप्त करता है। अर्थात कर्मयोग करने के लिए कोई अलग कर्म नहीं करना, आप जो भी कर रहे हो करो, मगर अपने मन में भाव क्या होना, रोटी बनानी है तो रोटी बनाओ, मगर मैं भगवान के लिए बना रही हूँ। अपना शरीर शुद्ध करने के लिए स्नान करते हैं तो अंदर तो परमात्मा विराजमान है, मैं ईश्वर को स्नान करा रही हूँ, मैं किसी के साथ बात करती हूँ, मैं परमात्मा से बात कर रही हूँ, इस प्रकार का एटीट्यूड रख के अपने कर्म को पूजा का पुष्प बनाओ। स्पेशल नहीं है, माँ अगर बच्चे के लिए कुछ काम करती है तो बच्चे के लिए करती नहीं है, वो परमात्मा के लिए करते है। भाव रखना है, भले ही वो बच्चे के लिए हो, मगर अंदर भाव होना चाहिए कि बच्चे के द्वारा जो भगवान है उसी की मैं कार्य करती हूँ, उसी के लिए कार्य करती हूँ। मैं झाड़ू लगाती हूँ तो ये मंदिर है भगवान का, मैं झाड़ू लगाती हूँ तो शुद्धि करती हूँ, परमात्मा के मंदिर की शुद्धि कर रही हूँ। इस प्रकार के भाव से अगर कर्म किया गया तो उसे निष्काम कर्म योग कहलाते हैं और उसी से ही चित्त शुद्धि अर्थात राग द्वेष की निवृत्ति होती है। राग द्वेष की निवृत्ति रूप फल प्राप्त होता है, वो साइकोलॉजी है इसके पीछे, बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, मन की शुद्धि का साधन बनाया गया है, तो ये समझने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। आगे भी भगवान ने पहले कह दिया है, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि तदासि यद तपस्सि कौन्तेय तत् कुरुष्व दर्पणम्, जो आप जो भी करो, आप खाओ पियो जो भी करो, वो मेरे मुझे अर्पण करो, अर्थात ईश्वर को अर्पण करने वाले, ईश्वर अर्पण बुद्धि से काम करने से ये कर्म जो है वो निष्काम कर्म योग बन जाता है। और अंत में कहा गया है, असत्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह निष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। ये कहते असत्त बुद्धि अर्थात अनासक्त बुद्धि रख कर, शम और दम अर्थात जितेंद्रिय होकर, विगत स्पृहा स्नेह रहित राग द्वेष रहित जो कर्म करने वाले होते हैं वो निष्काम कर्म करने वाला आगे जाकर निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है, वो कर्मयोग की पराकाष्ठा लास्ट है। निष्कर्म सिद्धि क्या है, निष्क्रिय आत्म स्वरूप मैं हूं, इसमें निष्ठा प्राप्त हो जाती, सब कुछ होते हुए भी मैं कुछ नहीं करता हूं, जो भगवान बोल रहे हैं 14 अध्याय में, तस्य कर्तारम अपि माम विद्य अकर्तारम, मैं करने वाले होने पर भी कुछ नहीं करता, ये जो ज्ञान की प्राप्ति है वो पराकाष्ठा है, कर्मयोग की पराकाष्ठा है, उसको निष्कर्म सिद्धि कहते हैं और आत्मनिष्ठारूप निष्कर्म सिद्धि को वो प्राप्त कर लेता है। और प्रश्न अगर ये होगा कि ये आत्मनिष्ठा कैसे प्राप्त होगी, आत्मनिष्ठा अर्थात मैं अकर्ता आत्मा हूं, ये ज्ञान को इम्बाइब कैसे करेंगे, पहले बुद्धि से समझना है। हमने दूसरे टॉपिक में आत्म तत्व का जो निरूपण दिया वो आत्मज्ञान का श्रवण करना पड़ेगा, पहले तो ज्ञान योग श्रवण से प्राप्त होगा, फिर क्या करना पड़ेगा, उसको आत्मसात करना पड़ेगा। आत्मसात कैसे होगा ये बताने के लिए ज्ञान योग सार जो 5वां टॉपिक है वो यहाँ लिया गया है, वो श्लोक नंबर 50 to 66 तक ये ज्ञान योग का सार बताया गया है। हाउ टू इम्बाइब दिस नॉलेज, हम अपने जीवन में उसको कैसे उतारें, तो उसके लिए साधन बताया गया है। देखो परिश्रम तो करना ही पड़ता है, नीति नियम तो रखना ही पड़ता है, कुछ भी प्राप्त करना हो, अगर आपको प्लेयर अच्छा होना है तो भी रोज जाकर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हर कोई प्रकार की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो हमें ये ज्ञान आत्मसात करने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक जो संक्षेप में मुझे बताना है, तो विविक्त सेवी अर्थात एकांत में रहना है, इसके ऊपर सोचना है, सोचने के लिए अकेले रहने से क्या होता है, कभी कोई नींद ज़्यादा आ जाती है, हमारा मन इधर उधर भटकने लगता है, ऐसा न हो इसीलिए लघ्वाशी
खाना खाना चाहिए मगर अल्पाहार, विद्यार्थियों को अल्पाहारी बनना चाहिए। श्वान निद्रा ऐसा कहा गया है, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सजाग होना चाहिए जीवन। अच्छा विवे लघवाशी यतवा काय मानस, मन वचन और कर्म की एकता होनी चाहिए। ध्यान और मन वचन और कर्म से ध्यान योग पर नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। अन्य जो हमारे ध्येय से ध्येय को विचलित करने वाले जितने जितने क्षेत्र हैं उसी क्षेत्र से हमें दूर रहना चाहिए, उसे वैराग्य कहते हैं। जीवन में जो हासिल करना है तो वो उसमें एक केंद्रित रहना चाहिए, इधर जाना उधर जाना, दोस्तों को खुश करना है, हमें अब इम्प्रेशन डालना है किसी को, ये सब करने में अगर हमारा मन भटक गया ना तो समझ लो अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यू आर नॉट लिविंग टू सेटिस्फाई योर फ्रेंड्स। इफ एट ऑल यू वॉन्ट टू सेटिस्फाई, यू सेटिस्फाई योर पेरेंट्स हु हैज गिवन यू बर्थ एंड मेड यू टू अंडरस्टैंड दिस एंड गेन दिस नॉलेज, मेड यू कैपेबल टू डू दैट। Satisfy your parents. If you can't satisfy your parents, you can't satisfy anybody in the world. Try to understand this. अगर अपने माँ बाप को खुश नहीं रख सकते वो किसको खुश रखेगा, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने इतना पैसा खर्च करते हैं, आपकी परवरिश करते हैं, आपके दुख में दुखी होते हैं, आप बीमार हैं तो रात भर जागते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, आपको क्या चाहिए उनकी पूरी आप पूरी ख्याल रखते हैं पूरा, उसको कपड़े चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, आपका लालन पालन करते। अगर उनको हम प्रसन्न नहीं कर सकते, उनकी खुशी का ख्याल नहीं रख सकते, क्या मानते हो आप लोग दूसरे की खुशी का ख्याल रख पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। और ऐसा करने से क्या आप पहले अपने आप को खुश रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। जो व्यक्ति अपने आप से खुश नहीं होंगे वो किसी और को कभी खुश नहीं कर पाएगा। तो याद रखना, अगर हम ध्येय को प्राप्त करना है तो हमें संयमी जीवन जीना है और ऐसे निर्मम शांतः ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये ब्रह्म स्वरूप में स्थित होने की लायकात प्राप्त कर लेता है। अच्छा अब अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा था, क्या कहा था अर्जुन ने, नयोत्सयति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीं बभूवः। अर्जुन ने पहले अध्याय में, अंत में आ रहे हैं हम लोग, अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, नयोत्सयति गोविंदम, मैं युद्ध करने वाला नहीं, एतान्नहं तु इच्छामि घ्नतो वि मधुसूदन, अर्जुन ने ये बोला था अगर मुझे ये लोग मार डालेंगे तो भी मुझे इनको मारना नहीं है। अगर इतना जब बात बताई गई तब भगवान कह रहा है कि तू ऐसा कहता था कि मैं नहीं मारूंगा, तू मारने वाला कौन और वो मरने वाला कौन, हकीकत में तो मैं मारने वाला हूँ, मैं जीवन देने वाला हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां उद्देश्य अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माय, ये शरीर रूपी यंत्र के ऊपर आरूढ़ होकर मैं ही सभी जीवों को भमाता हूँ, मैं ही सबको इधर उधर ले जाता हूँ, तू करने वाला नहीं है। नौवें अध्याय में भी ये बात का संकेत दे दिया गया था, निमित्त मात्र भव सभ्य साची मया एव निहता पूर्वमेव, मेरे द्वारा ये सब मारा गया है, तू तो सिर्फ निमित्त बनने वाला। याद रख जो आप किसी को क्या संतुष्ट करने वाले हो, आप खुद ही संतुष्ट नहीं है, आप तो समझो सोचो कि क्या हो रहा है, ईश्वर सबके द्वारा कर्म कर रहे हैं, आपके साथ जो बुरा रहा है वो बुरा करने वाला कोई और नहीं है, ईश्वर किसी के द्वारा बुरा कर रहे, ईश्वर किसी के द्वारा अच्छा कर रहे। मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, मैं अगर बोल रही हूँ आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ मुझे प्रसन्न करने के लिए तो बोलो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना, तो समझ लेना मैं कोई आपके लिए प्रसन्नता देने वाला काम करने वाली मैं नहीं हूँ, मुझे निमित्त बनाकर ईश्वर आपके लिए बुला रहा है, वो आपका अधिकार है, वो आपका भाग्य है, ये आपका प्रारब्ध है। मैं बार बार कहती हूँ, पहले भी मैंने बताया था कि हम जब आपके उम्र के थे हमें ये ज्ञान नहीं मिलता था, हम चाहते थे हमको नहीं मिलता था, और आप लोग नहीं चाहते होते भी आपको मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है, समझ लो वो आपका सद्भाग्य है, ये आपको ईश्वर की कृपा, ईश्वर कर रहा है सभी के द्वारा।
ईश्वर सर्वभूतानां भ्रामयन्। सर्वभूतानि, ईश्वर ही सबको भमाने वाला है, सब ईश्वर ही कर रहा है। ऐसी ऐसी बात तू जान ले और माया के द्वारा अपने अपने कर्म के अनुसार ईश्वर ही सबको भमाने वाला है। और वो ईश्वर कहाँ है? ईश्वर कहाँ है? मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी सूरत। देहो देवालय प्रोक्तः सजीव केवल शिव। ये तो देवालय है, मंदिर है, इसके अंदर जो चैतन्य तत्व है वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। अगर मेरे से कुछ अच्छा हुआ तो अंदर बैठा हुआ परमात्मा कर रहा है। अगर मैंने आपको अगर दुखी किया तो भी अंदर बैठा हुआ परमात्मा मुझसे बोलवा रहा है। तो याद रखना, मेरे प्रति ना तो राग रखो ना तो मेरे प्रति द्वेष रखो। अगर आप ऐसा मानेंगे कि उन्होंने अच्छा किया तो राग हो जाएगा, अगर आप ऐसा मानेंगे कि मेरे वजह से आप दुखी हो तो मेरी ओर नफरत हो जाएगी। मगर राग द्वेष को शुद्ध करने के लिए ईश्वर अंदर बैठा बैठा सबके द्वारा करवाया रहा करवाता है। ऐसा समझोगे तो कोई आपका दुश्मन नहीं रहेगा, कोई आपका मित्र नहीं रहेगा, सबके प्रति समान प्रेम आपके हृदय में रहेगा। और उसे है, उससे ही शुद्ध चित्त कहा गया है। और इस भाव को बनाने के बनाकर रखने के लिए भगवान कहते हैं कर्म बंधन से मुक्त होना है तो मन मना भव मद्याजी मद भक्त माम नमस्कुरु। ऐसा करने से माम एव एष्यसि, तू मुझे ही प्राप्त करेगा। मन मना भव अर्थात मन को मेरे में समर्पित करके रखो, मेरी पूजा करो, मेरे मुझे समर्पित रहो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से आप मुझ परमात्मा को ही प्राप्त करेंगे। परमात्मा को प्राप्त करेंगे तो कैसे कहाँ जाएंगे? वैकुंठ में जाएंगे, कैलाश में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? परमात्मा व्यापक है, कोई एक जगह पर नहीं है वो। आप भी व्यापक हो जाएंगे, आप भी अविनाशी हो जाएंगे, आप भी अजर अमर हो जाएंगे, मृत्यु से पर हो जाएंगे। परमात्मा की प्राप्ति माने अभयता को प्राप्त करेंगे, जगत का अधिष्ठान बन जाएंगे। आप वो महान तत्व है, उस महान तत्व में आप स्थित हो जाएंगे, आप महान बन जाएंगे। आप जीवात्मा नहीं रहेंगे, आप महात्मा बन जाएंगे। आगे कहते हैं मन मना भव होने के लिए क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा, सत्यम ते प्रतिजाने, ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। क्योंकि तू मेरा प्रिय है, इसीलिए अर्जुन मैं आपको जो कह रहा है वो सत्य है। मगर मन मना भव कैसे होंगे? तो कहते हैं लास्ट उपदेश भगवान देते। भगवान ने बोला अभी तक तो सब कुछ बता के बोल दिया कि सबके द्वारा मैं ही करवाता हूं, इसलिए किसी को आपका शत्रु मत मानो, किसी को आपका मित्र भी मत मानो, राग भी मत रखो, द्वेष भी मत रखो, दोनों से रख परे रहो। हाँ, और ये मैंने जो गुह्य बात आपको बता दी है, फिर आपको जो मन में आए वो करो। आप ये सोचते रहते, विचार करते 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 आपके जीवन में जो करना चाहे वो करो, वो पाबंदी नहीं है। ये करो ये कहने वाले हमारे शास्त्र नहीं है। हम तो सीख देंगे, पढ़ाएंगे, एजुकेट करेंगे, फिर फ्रीडम देते हैं। गुरु, सच्चे गुरु फ्रीडम देते हैं, आपको गुलाम नहीं बनाते। ये ही करो ऐसा नहीं करेंगे, ये हमारे शास्त्र की महानता है। दूसरे धर्म में ऐसा ऐसी सुविधा नहीं है। अच्छा, आगे कहते हैं कि वो परमात्मा परायण जीवन कैसे बनेगा। तो अंतिम उपदेश लेकर कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपको अहम तो सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, सभी पापों से मुक्त करके मैं आपको मुक्ति दिला दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, शोक मत करो। जो शोक करता था पहले अध्याय में अर्जुन, उसको भी अंतिम उपदेश देकर कहते हैं आप शोक से मुक्त हो जाओ, एक ही काम करो, मेरी शरण में आओ। कि मेरी शरण में आओ, भगवान कौन सा भगवान है जो उपदेश दे रहा है? हाँ, कौन सा भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहा है? तो कृष्ण क्या अभिमानी है? मेरे शरण में आओ, सबको छोड़ो, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? तो ये जो दोनों शब्द है इसके कई अर्थ है, कई अर्थ दिए गए हैं।
मैं आपको संक्षेप में मुख्य मुख्य अर्थ बता देती हूँ। सर्वधर्मान परित्यज्य का एक अर्थ है चित्त शुद्धि के साधन रूप जो धर्म कर्म है, कर्तव्य कर्म है, वो सब चित्त शुद्धि प्राप्त होने के बाद उसको छोड़कर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात अब धर्म कर्म करने का जो फल है शुद्ध चित्त वो प्राप्त कर लिया हो तो अब धर्म से उपराम होकर मोक्ष के बारे में, मोक्ष पुरुषार्थ के आगे के और आगे बढ़ो, अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। इसीलिए कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। दूसरी बात है ज्ञान प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम के धर्म को छोड़ दो और संन्यास को प्राप्त करो, तो इसको कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तीसरा अर्थ है जो महत्व का है और वही सच्चा अर्थ है कि सर्व धर्म को छोड़ो, अर्थात सभी धर्म देहाभिमान से होते हैं। देह है तो मैं इस धर्म का हूं, ये धर्म का हूं, मेरा वर्ण मेरा आश्रम देह के साथ जुड़ा हुआ है, तो देह के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए देहाभिमान का त्याग करो तो सभी धर्मों का त्याग हो जाएगा। तो देहाभिमान को त्याग कर छोड़कर जीवेश्वर ऐक्य के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रवण वगैरह करो, क्योंकि त्याग से ही अमरता की प्राप्ति होती है। तो सर्वधर्मान परित्यज्य माने देह में मैं बुद्धि है उसे हटाओ, क्योंकि मैं तो चैतन्य हूँ, वो ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए देह में अगर मैं बुद्धि रखूंगी तो आत्मा में चैतन्य में मैं बुद्धि नहीं रहेगी, इसलिए यहाँ से हटाओ और जो व्यापक चैतन्य है उसमें अहम बुद्धि स्थापित करो, उसको कहा गया है सर्वधर्मान परित्यज्य। फिर आगे कहा माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ, उसका मतलब क्या हुआ? शरणागति का एक अर्थ है आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति में अंतिम है आत्मनिवेदनम, उसे शरणागति कहते हैं, ये एक अर्थ है, पर वहां पर मेरा जो है उसका समर्पण करना आत्मनिवेदन अर्थात जो मेरी महत्व है उसका समर्पण बोला गया है। दूसरा है अज्ञान जन्य मिथ्या अहंकार का समर्पण करो, माम एकम शरणम व्रज, मैं जो हम कह रहे हैं वो मिथ्या अहंकार का समर्पण करना, उसे कहते हैं माम एकम शरणम व्रज। और दूसरी तीसरी बात है माम एकम शरणम व्रज अर्थात ज्ञान योगम अनुतिष्ठ, ज्ञान योग का अनुष्ठान करो। आगे कहा है ज्ञान से मुक्ति, हर जगह पर शास्त्र में बोला है ज्ञानादेव तु कैवल्यम, नौवें अध्याय में भगवान ने कहा ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा अमृतम अश्नोति, उसे जानकर अमरता की प्राप्ति होगी, तो ज्ञान से मुक्ति की बात कही है। और यहाँ कहा कि मुझे मेरी शरण में आओ शरणागति से मुक्ति, तो उसका मतलब क्या है? ज्ञान से ज्ञान इज इक्वल टू मुक्ति, शरणागति से मुक्ति अर्थात ये हुआ कि जो ज्ञान है वही शरणागति है, तभी तो क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है तो शरणागति का अर्थ भी ज्ञान हो गए, तो यहाँ पर शरणागति का मुख्य अर्थ है ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान की प्राप्ति में आप प्रवृत्त हो जाओ। तो माम एकम शरणम व्रज अर्थात शरणागति अर्थात ज्ञान निष्ठा प्राप्ति का प्रयत्न करो, और ऐसा करने से न अनुशोचन्ति पंडिताः, शोक नहीं होगा जो दूसरे अध्याय में 11वां श्लोक में बताया, ऐसे ही ये ज्ञान प्राप्त होने से शोक की निवृत्ति हो जाएगी और शोक की आत्यंतिक निवृत्ति को ही मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। ऐसा यहाँ पर 5वां जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। अब अंतिम 18 अध्याय का उपसंहार, समग्र गीता का उपसंहार होता है, और उपसंहार में 67-78 श्लोक में ये बताया गया है पहले कि ये ज्ञान किसको देना चाहिए। शास्त्र में बताया गया ना पृष्ठम कस्यचित् ब्रूयात्, जो कभी प्रश्न नहीं करता उसको नहीं दिखाना चाहिए, वो आप नसीब वाले हैं, नहीं पूछा है फिर भी बताया जाता है, मगर आपने एक काम किया है भगवद गीता पढ़ने का संकल्प किया है, सब्जेक्ट के रूप में आपने लिया है, वो आपका अधिकार है, मगर वो ज्ञान किसको प्राप्त होगा? तो 4 चीज आपके अंदर होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? तपश्चर्या होनी चाहिए, ईश्वर के प्रति भक्ति होनी चाहिए, शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए, शुश्रूषा अर्थात श्रवण करने की इच्छा होनी चाहिए, अनसूय ईर्षा रहित मन होना चाहिए, ये हमारी क्वालिटी होनी चाहिए, तब गीता ज्ञान प्राप्त होगा ये बताया है। त्यार बाद भगवान ने बताया कि यहाँ पर गुरु और शिष्य की स्तुति की है, जो मद भक्तेशु अभिदास्यति माम एव इष्यति,
ये गीता का ज्ञान जो मेरे भक्तों में बताएगा वो मुझे ही प्राप्त होगा, ऐसा कर कर गुरु की भी स्तुति की गई है और शिष्य की स्तुति कही गई है कि शिष्य अपने अधिकार के अनुसार गीता अध्ययन का फल प्राप्त करेगा। अगर बिना समझे अगर रट्टा लगा कर भी पढ़ लिया ना तो भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी, और सोचे समझ कर अगर गीता का अध्ययन किया तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, जीवन साफल्य की प्राप्ति होगी, पुनर्जन्म से मुक्ति हो जाएगी, कर्म बंधन से मुक्ति हो जाएगी, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, हर प्रकार के दुख से आप मुक्त हो जाएंगे, ये असंशय बात है। त्यार बाद भगवान ने बताया अर्जुन से, बाद में भगवान ने अर्जुन को पूछा कि मैंने इतनी बात बताई अब तुम्हारा क्या हाल है, ये तो बताओ तुम्हारा अनुभव क्या है। तो अर्जुन बोल रहा है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन कह रहा है मेरा संदेह निकल गया, पहले मैं कहता था कि मैं मारूंगा, ये लोग मर जाएंगे, मुझे नहीं लड़ना है, और गांडीवम संस्रते हस्ता ऐसी बात है, अब वो अपने धर्म पालन करने के लिए तैयार हो गया, उनका मोह नष्ट हो गया है। अर्जुन ने बताया भगवान को कि आप जो कहेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो अर्जुन का जो ये अनुभव रहा, संजय का अनुभव क्या है, संजय धृतराष्ट्र को बता रहा था ना ये सारी बात, आपने पहले श्लोक में देखा था इस धृतराष्ट्र ने पूछा संजय को किम अपूर्वत संजय, और संजय ने ये सारी बातें बताई, तो संजय कह रहा है कि मेरा तो बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा है। संजय कहता है कि ये जो विश्वरूप दर्शन अर्जुन ने देखा वो मैंने भी वहां पर देखा है दिव्य दृष्टि की कृपा से, और मैं रोमांचित हो रहा हूँ। और उनका अंतिम उद्गार है यत्र योगेश्वर कृष्ण, अंतिम श्लोक है ये, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, यहाँ पर धनुर्धर अर्थात अर्जुन ने धनुष उठा लिया तभी बोला संजय ने यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति इति मे मति। क्या होगा जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण होंगे अर्थात कृष्ण की का उपदेश होगा जीवन में, कृष्ण हमारा सारथी बनेगा कब, जब इनके उपदेश के अनुसार हम अपना जीवन बनाएंगे तो कृष्ण हमारा जीवन का भी सारथी बनेगा। ऐसी बात नहीं कि अर्जुन का सारथी बना, वो हमारे जीवन का सारथी भी बन सकता है अगर हम गीता में कही हुई बातों के अनुसार अपना जीवन बनाएंगे। तो क्या लाभ होगा, तो कहते हैं तत्र श्री, श्री माने लक्ष्मी, और कौन सी लक्ष्मी, अंतरलक्ष्मी, और अंतरलक्ष्मी कौन सी है पता है, संतोष। सबसे बड़ी लक्ष्मी है तो संतोष है, सेटिस्फेक्शन, व्हाटएवर आई एम हैप्पी विद दैट, वो जो है ना वो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, ये भाव सबको नहीं होता है। प्रश्न किया गया है कौवा दरिद्र, इस जगत में दरिद्र कौन है, तो कहते हैं यस्य विशाल तृष्णा, मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये नहीं मेरे पास वो नहीं, वो दरिद्र है, वो भिखारी है, वो भीख मंगा है, हमेशा मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, उनका वो पात्र है ना अदृश्य है मगर डिमांड बनी रहती है, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, मुझे ये कपड़ा चाहिए मुझे ये चाहिए, मुझे ये स्टाइल वाला चाहिए मुझे ये ना जाना चाहिए, सब कुछ मांगते रहते हैं हम, भीख मंगे हैं हम, मगर जिसके पास संतोष, हाँ जरा सोचना, भीख मंगे नहीं बनना है हमें, वो हमारा अदृश्य पात्र है, हाँ अंदर से सेटिस्फाई होना चाहिए, संतोष होना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, व्हाटएवर आई हैव आई एम हैप्पी विद दैट, तो उसको कहते हैं वो धनवान है, पूरे जगत में वो धनवान है, उसको कोई कंगाल नहीं बना सकता। तो ये श्री अंतर समृद्धि प्राप्त होती है, विजय भव सागर में उसको विजय प्राप्त होगी, भले यहाँ पर इस जन्म में इधर उधर हो जाए मगर उनको संसार को जिता देना है, भगवान उसको संसार सागर से पहले पार ले जाता है। भूति ही अंतर वैभव की प्राप्ति होती है और वहाँ ही अचल नीति होती है, ध्रुवा नीति ही इति मे मति ही, ये मेरा मत है। आप सबने कर्तव्य पालन से जीवन संग्राम में विजयी होने का जो संकल्प किया है वो आपका संकल्प परमात्मा सिद्ध करे, और आप अपनी परीक्षा में और आने वाले जीवन में भी हमेशा सफलता को प्राप्त करो, दुख की परछाई आपके पर ना आए, हमेशा स्वस्थ जीवन पसंद करो, और स्वस्थ जीवन प्राप्ति के लिए ये भगवद्गीता का ज्ञान
आपका संचालन करता रहे, मार्गदर्शन करता रहे, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करके 18वें अध्याय का हम समापन करते हैं। पूर्णाहुति एक अध्याय के अंत में पूर्णाहुति देती हैं, तो हम जरा इस अध्याय की पूर्णाहुति में अंतिम है इसलिए ये बात बोलेंगे। मैं पहले बोलूंगी, आप मुझे फॉलो करना। इति श्रीमद इति श्रीमद भगवद गीतासु भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्षसन्यास योगो नाम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आपका बहुत बहुत आभार स्वामी जी। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड फॉर रेवरेंट स्पीकर? क्वेश्चन अब भूख के अंदर दब गए हैं। है क्वेश्चन ऐसा है ना, मैंने आगे बताया कि ऐसा लिखा है कि ना पृष्ठम कस्यचित् ब्रूयात् न अपृष्ठम। अपृष्ठम माने पूछा नहीं है, कस्यचित् अगर किसी ने पूछा नहीं है तो न ब्रूयात् मत कहो, अर्थात प्रश्न पूछो तो उत्तर मिलता है। अगर प्रश्न है तो विद्यार्थी आप बताओ, बोलो बोलो। आपने ये चार जो स्टेजेस बताए ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम और लास्ट में संन्यास, तो आपने एक चीज बताई थी कि जो संन्यास्त है वो ज्ञान के लिए है स्टेज। लेकिन अपने समाज में ऐसे भी कुछ देखे गए हैं गृहस्थाश्रम भी, जैसे तुकाराम है या महर्षि श्यामलाल लाहिरी है, तो उन्होंने गृहस्थाश्रम में रह के भी ज्ञान प्राप्त किया है। तो जस्ट एक मीन्स एक आया बात सही है, बिल्कुल सही है। देखो ज्ञान के लिए कोई मर्यादा नहीं है, कौन सी उम्र में ज्ञान प्राप्त करना है, कोई जिज्ञासा होते ही ज्ञान लेते हैं, ठीक है। तो उनके पूर्व के संस्कार हैं, ये हमारा जीवन सिर्फ जन्म और मृत्यु के अंदर बंधा हुआ नहीं है, हम तो अनादिकाल से आते हैं, पूर्व संस्कार लेकर आते हैं, तो पूर्व पूर्व संस्कार के अनुसार उनका जीवन व्यतीत होता है। और दूसरा काम करता है प्रारब्ध, तो प्रारब्ध भी होता है जो कर्म का फल भोगने का होता है, और वासना जो पूर्व संस्कार बोलते हैं, तो उसी के आधार पर हमारा वर्तमान जीवन होता है। तो तुकाराम है, नरसिंह मेहता है, राजा जनक है, मगर याद रखना वो सर्वसामान्य नियम नहीं बन सकता, वो अपवाद रूप है। पूर्व संस्कार लेके आने वाले अपवाद रूप है। शंकराचार्य जी 8 साल की उम्र में घर छोड़ के आए, तो जनक जी राजा होते हुए भी ज्ञानी बन गए, तुकाराम भगवान की भक्ति करते करते ज्ञानी बन गए, तो गृहस्थ भी थे। उसका कोई क्राइटेरिया नहीं, ज्ञान के लिए कोई बाह्य क्राइटेरिया नहीं है। मगर जो हमारे वहां जो चार आश्रम जो बनाया गया है वो मुख्य तौर से किस लिए बनाया गया, पहले विद्या प्राप्त करो, फिर विद्या के अनुसार अपना जीवन बनाओ। जीवन का लक्ष्य तो कुछ और ही है,
इंडल्जेंस भोग हमारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, भोग योनि नहीं है। तो गृहस्थाश्रम भोग के लिए नहीं है, धर्म के लिए है, तो धर्म प्रदान है। अगर आप में रुचि नहीं है, धर्म की प्राप्ति भी नहीं चाहिए, धर्म से क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। कौन सा सुख? जो विषय सुख है उसे कहते हैं, इस विषय का और परलोक के विषय का, परलोक गमन है। मगर जिनको वो भी नहीं चाहिए, त्याग वगैरह के पक्का है, तो वो दोनों को पार करके सीधा संन्यास में ज्ञान के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, मगर इनको कहते हैं अपवाद। तुकाराम अपवाद है, नरसिंह अपवाद है, जनक अपवाद है। तो जिनको सामान्य रूप से हम चलाना सिखाते हैं, तो ये रास्ता है, ये शास्त्र की पद्धति है। अपवाद तो हो सकता है, क्योंकि ज्ञान की कोई मर्यादा नहीं, कोई उम्र नहीं, कोई लिंग नहीं, कोई कास्ट नहीं, कुछ नहीं, सबके लिए ज्ञान होता है।